जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सुनिश पर आपसे बात हो रही थी मेरी रात में भी, शायद आपको आइडिया होगा हमारी लॉन्च का भी। अच्छा मेरी मुझे जान में नहीं है, बताएं आप बाबा मुझे क्या अच्छा, चाहिए। AL सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जिसमें नेगेटिव टारगेटिंग वगैरह हम लोग देख रहे थे जी US की जी लॉन्च के मैंने लिए। मैंने मैंने भी चेक कर लिया एग्जैक्टली जी मुझे जी किया। अच्छा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ याद करवाना चाह रहा था कि प्रोडक्ट क्या है और उसके हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। हमारा जो लिस्टिंग का मेन इमेज है ना, वो एक्चुअली कोई इतना अपीलिंग नहीं है कंपेटिटर के निस्बत। ऑल्दो हमने उसके लिए काफी एक्सक्लूसिव प्राइस पहले पे की थी, हम सेटिस्फाइड थे भी नहीं, बट हम अभी उसे चेंज करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये पूछना था कि जो अभी टॉप के कंपेटिटर्स बैठे हुए ऊपर, उनकी लिस्टिंग में कलर्स हैं मेन इमेज में, जो कि ऑल्दो अमेजोन की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। तो मुझे पूछना ये था कि हम कोई थोड़ी बहुत कलरिंग कर सकते हैं या उस पे जीरो टॉलरेंस है कलर पे, सिंपल वाइट बैकग्राउंड ही चलेगा, एक चीज। और सेकंड चीज ये कि हम कोई ब्लैक एंड व्हाइट आइकन टाइप कुछ डाल सकते हैं उसमें इमेज में, जो कि हमारे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता हो समहाउ, किसी तरह से भी उसकी डिपिक्शन करता हो, क्लोज मैच हो, थोड़ा वो कलरफुल था आ जाए ब्लैक एंड व्हाइट से ही, थोड़ा अपीलिंग लगे इमेज। अच्छा देखिए जहाँ तक मेन इमेज की बात है तो बैकग्राउंड जो है वो प्योर वाइट ही होना चाहिए। अगर दूसरे कलर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसमें फ्रंट एंड पे तो ऐसे ही एसेट को इश्यूज में नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये अमेजोन की गाइडलाइंस की उसकी इंस्ट्रक्शन के एल्गोरिथम के अगेंस्ट है। तो उसका जब रोबोटिक सिस्टम ये देखता है कि आप इस तरह की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं जो उनकी टीओएस के अगेंस्ट है, तो उस पर वो आपको नेगेटिव मार्क कर रहा होगा। तो इसीलिए इट्स गुड कि हम अपने मेन इमेज पे बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट रखें। और जहाँ तक बात है कि कोई आइकन वगैरह कर लें तो पहले कर लेते थे, पहले हम और कुछ नहीं तो जो हमारा पैक साइज होता था ना, हम पैक साइज मेंशन करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब इवन पैक मेंशन करने पर भी अमेजोन लिस्टिंग को सप्रेस्ड में डाल देते हैं। तो एग्जैक्टली ये हमारे इसलिए साथ हो चुका है, MPL में हुआ है हमारे साथ ये एक मेन इमेज के साथ, तो हमें वो रिमूव करना पड़ा था। बिल्कुल, तो अब जो है वो काफ़ी इस तरह के रिस्ट्रिक्शन आ गई हैं जिसकी वजह से हमें अब अवॉइड करते हैं किस तरह से ना करें। अगर आपको उसको अपीलिंग या किस तरह किसी तरह से करना है, मेन इमेज पे आप ये नहीं अप्लाई कर सकते। हाँ सेकेंड इमेज पे जो बाकी सब इमेजेस हैं वहाँ पर आप कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, किसी किस्म के भी चेंजेस, लोगो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन इमेज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इसको कोशिश करें जो आपका मेन इमेज है वो जूम करके हो, उस पर आप ज्यादा स्पेस आपके एग्जैक्ट आइटम ने जो पिक्चर है उसी ने लिए। ठीक ठीक चल, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी सेकंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैम, मेरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू ऐप जो हम यूज कर रहे हैं पीपीसी के लिए। तो हमने सनी भाई ने बोला था कि आप ऐप यूज करें, तो आपने ऐप भी इंटीग्रेट कर दी थी, लेकिन इशू आ रहा है ACoS का। ACoS 50% पे जा रही है, तो जब हम मैनुअल पीपीसी कर रहे थे तो हमारी ACoS ऑलमोस्ट 24-25% पे थी। तो उसके रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि उसको हम किसी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं या विद द टाइम वो खुद ही ACoS को नीचे ले आएगी ऐप। भैया मुझे बताएं कि कितना टाइम हो गया आपको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किए हुए? ये मोर देन 2 वीक्स हो चुका। मोर देन 2 वीक्स? 4 वीक्स? 2 वीक्स। 2 वीक्स। अच्छा देखिए जो जो सिस्टम है ये इस तरह से काम करता है, जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो इनिशियली ये ट्रेन हो रहा होता है सिस्टम, मल्टीपल कीवर्ड्स। आप देखेंगे मैनुअली शायद हमने मैक्सिमम 20 कीवर्ड्स टारगेट किए होंगे, लेकिन अगर आप कैंपेन में ये जो भी सॉफ्टवेयर की कैंपेन इसमें जाकर देखें तो मोर देन 500 कीवर्ड्स होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीपल एसेंस को कैटेगरी और आपके कीवर्ड्स टारगेट हो रहे होते हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। अभी सिस्टम को ट्रेन होने में 3-4 वीक्स लगते हैं। इसके बाद जब डाटा एक बार सारे कलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीपल कीवर्ड्स टारगेट हो जाते हैं ब्रॉड टारगेटिंग पे सब, इसके बाद वो क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आ जाता है। एक एक हमें समझ में आ जाता है सिस्टम को
अच्छा ये कीवर्ड्स हैं जो इस प्रोडक्ट पे, इस नीच पे, आपकी SEO पे कन्वर्ट हो रहे हैं, इसको हाई रेटिंग दे रही है. ऐसे कीवर्ड्स जो कि लास्ट पूरा 4 वीक्स में आपको बहुत क्रॉस दे रहे थे और उस पर सेल्स नहीं आ रही थी, जबकि उस पर इनफ क्लिक्स आ चुके हुए हैं, तो ये श्योरिटी है कि ये कीवर्ड काम नहीं करने वाला, ये कीवर्ड इस प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है, या ये ब्रॉड कीवर्ड है या रेलेवेंट कीवर्ड है. तो वो उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम एनालाइज करके उसके बिड रिड्यूस करते करते इतनी कम कर देता है कि वो एवेंचुअली रिस्पॉन्सिव ना होने के बराबर हो जाता है. तो इस तरह से सिस्टम खुद ब खुद ऑप्टिमाइज कर रहा होता है. लेकिन जो हम अगर टाइम पीरियड लें 2 वीक्स का, 3 वीक्स का, तो ये बहुत 3 वीक्स में फिर भी हम आगे कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि अभी हमारा कॉज इतने परसेंट पर चला गया तो हम स्लाइटली इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, या हम इस पर इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लें. वी कैन वर्क ऑन इट आफ्टर 3 वीक्स एटलीस्ट. शुरू में तो हम इसको सिर्फ चलने देते हैं ताकि मैक्सिमम सिस्टम जो है इस पर डाटा क्लिक करके ट्रेन हो जाए. अच्छा, अब यहाँ पर दो तरह के आपके पास ऑप्शंस होते हैं. ये एक ये कि आप इसको नॉर्मल मोड पे चलाएं, दूसरा होता है प्रोग्रेसिव मोड पे चलाएं. नॉर्मल मोड पे भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारा कॉस्ट जो है वो 20% पे चला जाएगा. नॉर्मल कॉस्ट जो नॉर्मल मोड पे हमारा कॉस्ट की परसेंटेज आती है 30-35%, ठीक है. और जो एग्रेसिव मोड आता है उसमें ही चली जाती है 45-48%. अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है? अगर आप कह रहे हैं कि हमारी पहले मैनुअल कैंपेन की 22% कॉस्ट था, लेकिन आप डिफरेंस चेक कीजिएगा अपनी सेल्स वेलोसिटी का. और सिर्फ PPC का नहीं, आप अपने टोटल अकाउंट पर अपनी सेल्स देखिए. आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे ये टाइम गुजर रहा है सॉफ्टवेयर के साथ, आपकी जो सेल्स वेलोसिटी बिल्ड हो रही है, ये सिर्फ PPC जब आपके ऑर्डर इंक्रीज नहीं कर रही है बल्कि ऑर्गेनिक रैंक पर बहुत इफेक्ट कर रही है, और ऑर्गेनिक सेल्स भी काफ़ी बूस्ट कर रही है. अभी मे भी इतना सारा इतना डिफरेंस ना हो क्योंकि सिर्फ 2 वीक्स में है, तो 15 डेज तो अभी इसके लिए तो सिर्फ ट्रेंड होने के लिए 3 वीक्स मिनिमम रिक्वायर्ड है. तो आप अभी इसके कॉस्ट के साथ चलने दें. आप इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 वीक्स में हम ये चीज़ देखेंगे कि क्या इन 3 वीक्स में जो परफॉर्मेंस है, लास्ट 3 वीक्स में क्या थी. लास्ट 3 वीक्स में अगर आपका कॉस्ट 25% और सेल्स आपकी 100 आई थी, लेकिन इस वीक में आपका कॉस्ट 32% में चला गया लेकिन आपकी सेल्स 300 हो गई हैं, तब हम प्रेफर करेंगे कि हम 33% वाले कॉस्ट के साथ ही जाएं. इसी स्ट्रेटजी पे काम करें क्योंकि ये आपकी सेल्स वेलोसिटी को बिल्ड कर देते हैं. लेकिन अगर स्नैरियो उस तरह से नहीं है, ऑर्डर समहाउ उसी तरह से मिल रहे हैं आपको, उतना उस तरह से इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ रहा, उस वक्त हम काम कर सकते हैं कि अपने बजट कैप लगा लें कि इससे ज़्यादा बजट हमें स्पेंड नहीं करना है, या हम अपने कॉस्ट कैप लगा लें, लिमिट कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई मेरा मैक्सिमम मैं 30% के कॉस्ट पे जाऊँगा, इसके अंदर अंदर रहते हुए मेरा चाहे कितना भी बजट लग रही है, जो सेल्स आ रही हैं, नो मैटर कि मैं अगर $800 लगा रहा हूँ, एज फर एज कॉस्ट मेरा 30%. तो अभी US मार्केट के लिए तो हम इस चीज़ पर एग्री है कि अगर 30% कॉस्ट 33% कॉस्ट पे यू आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम PPC तो हम इसको चलते रहने देंगे. तो इसलिए अभी आपको मैंने पूरा इस नेगेटिव अच्छी समझाया कि सिस्टम किस तरह से वर्क करेगा. तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें, इवेंचुअली 3 वीक्स जब गुजरेंगे 4th वीक में फिर हम इंशाल्लाह इस पर डिसाइड करेंगे कि अब हमें कॉस्ट पे काम करना है या मजीद सेल्स वेलोसिटी पे काम करना है. तब शायद हम अगर अकॉज पे काम नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे ना हो तो मे बी वेलकम अकॉज, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छे हुए तो मे बी उस वक्त हम इस मोड से भी गैस मोड पे चले गए कि मजीद ऑर्डर सेल्स वेलोसिटी बिल्ड हो, अगर अकॉज लाइकली अपनी जाता है तो एक्सेप्टेबल है. ठीक है जी मैम, एक्चुअली जो मुझे इश्यूज था, मतलब जो मुझे चीज़ थोड़ी सी अलार्मिंग लगी वो ये लगी दिन ब दिन हमारा एक कॉस्ट इंक्रीज हो रहा था. जब इनिशियली हमने ऐप के साथ इंटीग्रेट किया था अपना अकाउंट तो हमारा एक कॉस्ट कम था, फिर जो जो आता गया वो 10% से इंक्रीज होता 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 ग्रेजुअली आज 50% है. अगर मैं लास्ट डे का अगर एक कॉस्ट देखूं तो वो 200% है, अगर मैं सिर्फ यस्टरडे का देखूँ तो वो 200% एक कॉस्ट है. तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया था. तो ठीक है, हम इसमें अच्छा एक चीज और मैं आपको प्लीज क्लियर कर दूँ, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को होता है ये इशू. अकॉज जब भी आप अपना देखें तो आप टुडे और यस्टरडे के स्टैट्स को कंसिडर नहीं करेंगे. उसके रीज़न ये है कि जो यस्टरडे के या टुडे के अकॉज होता है वो एक्यूरेट नहीं होता. उस पर ये भी समटाइम्स कैंपेन मैनेजर में जो आपके यूनिट सोल्ड होते हैं वो अपडेट होने में टाइम दे देते हैं,
कैंपेन मैनेजर में, अगर मैंने आज 20th है, मैंने आज देखा मेरे 200 कॉल्स है, अगर मैं 23rd को 20th की डेट का फिल्टर लगा के देखूंगी तो कॉल्स नीचे आ चुका होगा क्योंकि मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स सब ऐड हो गए होते हैं लेटर। इसकी एक और दूसरी रीज़न ये भी होती है, समटाइम क्या होता है बायर ने क्या किया, एड क्लिक कर लिया हमारे स्पॉन्सर्ड एड पर, कॉस्ट पड़ गई हमें, क्लिक कॉस्ट पड़ गई है, लेकिन उसने बाय नहीं किया। उसके बाद उसने 2 दिन बाद गया और उसने तब जाके एड कार्ड कर लिया अपनी उसी हिस्ट्री में से, उसने देखा है कि वो नीचे उसके आ रहा था कि यहाँ लास्ट जो यहाँ पर उसने इसको छोड़ा था, लिंक किया था वहाँ से उसने इसको एड कार्ड कर लिया। अब क्या हुआ, जो मुझे क्लिक की कॉस्ट पड़ी वो तो मुझे 20th को पड़ी है, बाय उसने 24th को किया था, तो वो जो मुझे सेल आई वो 24th को आई, कॉस्ट मुझे उसकी 20th को पड़ गई। तो इसीलिए जो यस्टरडे और टुडे के स्टैट्स होते हैं ना ये रिलायबल नहीं होते हैं। अगर आपने एक क्लियर पिक्चर देखनी होती है ना अपने ओवरऑल परफॉर्मेंस की या कैंपेन्स की, तो 30% तो एक्यूरेट होती है, लेकिन लास्ट 7 days को हम कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट 7 आप अगर मैंने आज देखनी है अपनी लास्ट परफॉर्मेंस, तो मैं 19th to 20th को शूट कर दूंगी और मैं देखूंगी फॉर एग्जांपल मैं 12th से लेकर और 17th तक इस डेट रेंज में चेक करूंगी, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ एक्चुअली मेरा कॉज ये है, अब मुझे इस पर काम करना है। तो आप चेक कीजिए लास्ट 7 days में कि आपके फिगर्स हैं, ये एक ये जो आज यस्टरडे और टुडे स्टैट्स इन दोनों की डेट एक्सक्लूड करके पिछले जो लास्ट 7 days हैं उनके आप चेक करें, तो अगर स्टिल कॉज हाई है और साथ दूसरी चीज के सेल्स भी आपके उस तरह से नहीं आ रही है, तो आप फिर मुझे मैसेज कर लीजिएगा और फिर मैं इसको सॉर्ट आउट कर देखेंगे कि अभी एक्चुअली ये बहुत इनिशियल है, ये बहुत मतलब जल्दी अगर हम ये कहते हैं कि अभी मैं इस पर कोई लिमिट लगा दूंगा कॉज की, तो इसीलिए आप इसको लास्ट समय एक बार चेक कर लें। स्टिल अगर लगा कि बहुत ज़्यादा हाई कॉज है तो मैं चेक कर लूँगी कि अभी हमने क्या बजट अप्लाई किया होगा, फिर हम उस पर स्लाइटली थोड़ा सा रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच मैम। मैम जब हम अपनी ऑटो कैंपेन चलाते हैं एसेंस की, तो उसके अंदर हमारे पास एक एसन ऐसा आ रहा होता है जिसके बड़े हाई इंप्रेशंस आ रहे होते हैं, ठीक है, और क्लिक्स भी उसकी ज्यादा आ रहे होते हैं। हम ये करते हैं कि हम ऑटो में से उसे निकाल लेते हैं, ठीक है, और हम उसे मैनुअल में ले जाते हैं उस एसन को। अच्छा, अब वो एसिन जो इस पे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, हमने उसे ऑटो के अंदर नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव टर्म्स में कर दिया, और मैनुअल के अंदर हमने इसे रन कर दिया, ठीक है, ब्रॉड में, फ्रेस में। और अब ये है कि वो एसिन जो है अब उस पे इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, ठीक है, उसके ऑटो में तो सेल्स आ रही थी जब ऑटो में वो एसिन पड़ा हुआ था, ठीक है, जब हमने इसे मैनुअल में लेकर चले गए वहां पे ये सेल्स नहीं दे रहा, ठीक है। और इसी तरह कीवर्ड्स का भी यही है कि कीवर्ड्स जो ऑटो में थे वहां पे तो वो सेल्स दे रहे थे, जब हम उन्हें मैनुअली मैनुअल में लेकर गए हैं तो वहां पर उनकी सेल्स आना बंद हो गई है, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा मैम इसमें ये है कि जब हम स्पॉन्सर एड कर रहे होते हैं, हमारे स्पॉन्सर एड को जब हम रैंक करवा रहे होते हैं, ठीक है, इसमें एक तो ये होता है कि हम बिड के थ्रू हमारी स्पॉन्सर एड रैंक होने लग जाती है, ठीक है, हाई बिड हो या लो बिड हो, जो हमने बिड अपने रिक्वायरमेंट के लिए हासिल की है, ठीक। सेकंड ये होता है कि हम VVRO के थ्रू अपनी स्पॉन्सर एड को रैंक करवा रहे होते हैं। तो मैम के वायबल ये नहीं है कि हम हाई बिड रख कर अपनी स्पॉन्सर एड को रैंक करवा लें? देखिए, इसमें यह है कि सबसे पहले जो आपने बात की है कि एसेंस आपकी ऑटो में काम कर रही है, जब हमने उसे मैनुअल में डाला है तो वो अब काम नहीं कर रही, तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल इस तरह होता है, इवन कीवर्ड के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब कभी आप, क्योंकि देखिए जब हम ऑटो कैंपेन चला रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फॉर फील्ड होती हैं,
क्लोज मैच की होती है, लूज मैच की होती है, सब्स्टिट्यूट्स की होती है, कॉम्प्लीमेंट्स की होती है. अब जब सचम के कोच से आपने ये तो निकाल लिया कि सेशन के गेट स्टाफ को सेल आई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एक्चुअली ये क्लोज मैच में प्ले किया इसने या सब्स्टिट्यूट्स में प्ले किया. ये प्रोडक्ट के नीचे कहीं मेरी एज हो रही थी, कीवर्ड के गेस्ट हो रही थी, आप उसको उस तरह से उसके प्लेसमेंट को मेजर नहीं कर सकते हैं कि ये मुझे एग्जैक्टली इस की टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में मेरी स्पॉन्सर होने पे आई है, कहाँ पर एक्चुअली मुझे ये सेल किस कंपोनेंट से आई है. तो इसलिए जब कभी आप ऑटो कैंपेन से कोई कीवर्ड निकालें या ऐसे निकालें तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ उसको मैनुअल में शिफ्ट कर देने के बाद ऑटो से नेगेटिव नहीं करें. तब कब तक नहीं करेंगे, जब तक आप ये देखें कि मैनुअल में शिफ्ट कर देने के बाद मेरी सेल्स मैनुअल पे आना शुरू हो गई हैं और अब यही कीवर्ड जो पहले मुझे ऑटो में सेल दे रहा था अब ये ऑटो में मुझे हाई कॉस्ट देने लग गया. अब एक ऑर्डर मुझे इसी कीवर्ड पे, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि एक बेडशीट है, ये बेडशीट कीवर्ड है मेन और ये मुझे सेल दे रहा था पहले बड़ी अच्छी ऑटो कैंपेन में, जैसे ही मैंने इसको मैनुअल में शिफ्ट किया विद एग्जैक्ट मैच टाइप, अब मुझे 4 सेल आ रही है मैनुअल से, 1 सेल आ रही है मुझे ऑटो से, लेकिन ऑटो में मुझे ये अकॉस्ट दे रहा है 115% जबकि मैनुअल में मुझे ये अकॉस्ट दे रहा है 54%. तो अब इसका मतलब है कि मेरा ये कीवर्ड एक्चुअली कन्वर्जन देना शुरू हो गया मुझे एग्जैक्ट कैंपेन में, तो मैं उस वक्त जाके इसको ऑटो कैंपेन में नेगेटिव में डाल दूंगी क्योंकि अब मुझे पता है कि इसने ऑटो कैंपेन में कन्वर्जन देना छोड़ दी है और मैं इसको वहाँ पर इसको अब नेगेटिव में डाल सकती हूँ वहाँ पर मुझे ये हाई अकॉस्ट दे रहा है. लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं ऑटो कैंपेन से और मैनुअल में उसको डालते हैं लेकिन ऑटो में ऑफ नहीं करते हैं तो वो हमें ऑटो में भी सेल दे रहा होता है मैनुअल में भी सेल दे रहा होता है, वो दोनों जगहों पे दे रहा होता है. एक्चुअली वो दोनों जगहों पे उसके जो प्लेसमेंट है उसके जो स्पॉट्स हैं वो डिफरेंट है, इसीलिए वो दोनों जगहों पर सेल दे रहा होता है. अगर आपको दोनों जगहों पर सेल मिल रही है और अकॉस भी आपका अफोर्डेबल है तो फिर हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको नेगेटिव टारगेटिंग. ठीक है, तो आप एक बार ये कोशिश कर लीजिए, वापस उसे ऑटो में ऑन कर लीजिए एग्जैक्ट में, अगर आपने उसको डालिंग पे, अगर आपने एशियन टारगेट की है एशियन को वहाँ से अनब्लॉक कर दें ऑटो कैंपेन से, मैनुअल में जहाँ पे आपने उसको डाली हुई है अब देखें कि वहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो रही है या नहीं. फिर अगर आप ये देखें कि अब ऑटो में ऐड वापस ऐड करने के बाद उसने ऑटो में तो सेल देना स्टार्ट हो गया लेकिन मैनुअल में भी वो सेल नहीं दे रहा, तो फिर आप उसे ऑटो में ही रहने दें, मैनुअल में उसको ना लेकर. वैसे ऐसे होता है, नॉर्मली ऐसे ही होता है, जो मेरी अभी है इस तरह प्रैक्टिस के दोनों में चल रहा होता है सब. कुछ केसेस में ही होता है कि आपके मैनुअल में और ऑटो में दोनों को चल रहा होता है. समटाइम ऐसा होता है कोई कीवर्ड ऐसा जो आपको मैनुअल में चलने के बाद ऑटो में हाई अकॉस्ट देना शुरू हो जाता है, उस स्टेज पर जाकर फिर हम उसे नेगेटिव में डाल देते हैं, लेकिन फौरन से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे ऑफ मत करें आप ऑटो कैंपेन में. मैम इस तरह जी मैम इसमें ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ कीवर्ड्स जो हमारे होते हैं वो मैनुअल सॉरी ऑटो में बहुत अच्छे इंप्रेशंस और क्लिक दे रहे होते हैं, जब हम उन्हें ले आते हैं मैनुअली में तो मैनुअल में आकर एग्जैक्ट में जब डालते हैं तो वो सेल्स भी देना शुरू हो जाते हैं. ये राइट मेथड है कि अगर वो हमें ऑटो में इंप्रेशन और क्लिक्स दे रहे हैं ठीक है और सेल्स नहीं आ रही है तो हम उन्हें मैनुअल में शिफ्ट कर दें तो वो सेल्स देना शुरू कर दें? नहीं वैसे ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई कीवर्ड ऑटो में सेल नहीं दे रहा और तो वो मैनुअल में डालने से सेल देने लग जाएगा, ऐसा नहीं है. हाँ ये हो सकता है कि अगर आपने उसको आपका कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम ऐसा होता है कि मेरे 4 कीवर्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है, हाई सर्च वॉल्यूम वाली, उनमें से 3 ने तो सेल स्टार्ट कर दी है लेकिन जो एक चौथा कीवर्ड है ऑटो कैंपेन में वो टारगेट तो हो रहा है लेकिन सेल नहीं मुझे दे रहा और वो कीवर्ड ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कीवर्ड पे मैं ऐसा कर सकती हूँ कि क्योंकि मुझे पता है ये ऑटो में तो मेरे काम नहीं कर रहा तो मैं इसको अलग से मैनुअल में डाल दूँ और क्योंकि मुझे इस पर रैंक भी होना है और मैं इसको मेरे कीवर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सर्च वॉल्यूम भी इसका अच्छा है तो मैं उसको सेपरेटली भी टारगेट कर सकती हूँ मैनुअल कैंपेन में. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड जिसके इंप्रेशन और क्लिक्स बहुत अच्छे हैं ऑटो कैंपेन में मैं उसे मैनुअल में स्विच कर दूंगी और वो वहाँ पर सेल्स जनरेट करेगा ऑटो में अगर नहीं चल रहा, तो ऐसा नहीं है.
अच्छा मैम, अगर मैनुअल के अंदर हमने कीवर्ड्स हैं जो हम हीलियम से हम अपने कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उन पर इंप्रेशंस और क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल्स नहीं आ रही, तो तब हमें क्या बेहतरीन हुआ है कि उस पर सेल्स आने के, हमें क्या है कि हम उस सेल्स देना शुरू कर दें, मतलब क्लिक्स वगैरह आ रही हैं और सेल्स अच्छा, नहीं आ रही। हाँ देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि क्या उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम बहुत हाई है। अगर तो कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम बड़ा अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एक होता है आपके हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड जो, और दूसरे होते हैं आपके जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत हाई नहीं होता लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं, और सर्च वो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपने कैसे। तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होते हैं जो आपने हीलियम से निकाले हैं और बड़े रेलेवेंट कीवर्ड हैं लेकिन वो आपको मैनुअल में नहीं दे रहे हैं, अब वहाँ पर आप चेक करेंगे कि आपने उनकी मैच टाइप क्या रखी हुई है। हो सकता है आपने मैच टाइप उनकी एग्जैक्ट रखी हुई है, आप एक बार उनकी फ्रेज स्विच कर लें। यहाँ पे देखें जो एक ओवरऑल आपका कोई पीपीसी है ना, इसका कोई थंब रूल नहीं है कि आप सब कीवर्ड्स निकालें वहाँ से और फ्रेज में डाल दें और सब ऐसा ही करें और पीपीसी बड़े से ही चलने लग जाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि आप सारे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करें, एग्जैक्ट में डालें, फ्रेज में नहीं डालें, एग्जैक्ट में ही वो काम करेगी। हमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हैं, मल्टीपल मैच टाइप्स हैं, हम इन सबको ट्राई कर सकते हैं, हम इनको स्विच ऑफ करते रहते हैं और किसके साथ हम मूव ऑन करते हैं जिस जो हमें रिजल्ट देने लग गया था, जो हमारे प्रोडक्ट पे हमारे नीश पे फिट बैठ गया था। अब आपने हीलियम से कीवर्ड्स निकाले हैं, सर्च वॉल्यूम उनका अच्छा लेकिन वो आपको कन्वर्जन नहीं दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, मैशअप अगर उसकी एग्जैक्ट है तो फ्रेज करके देखते हैं। अगर मैशअप उसकी फ्रेज है तो ऑलरेडी फ्रेज है तो एग्जैक्ट करके देखते हैं। एक और चीज़ ये है, अगर तो आपने मैशअप एग्जैक्ट रखी हुई है लेकिन आप देख रहे हैं उसमें कन्वर्जन नहीं हो रही है, फिर आप चेक करें उसको ऑप्शन आपको मिलेगी प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में जाके देखें कि ये आपको जो 1000 में 2000 इंप्रेशंस आए हैं ये एक्चुअली आए कहाँ पे हैं। ये हो सकता है कि वो जो आपको 2000 इंप्रेशंस आए हैं वो अदर सर्चेज में आए हैं। जब आप प्लेसमेंट में जाएंगे ना वहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल रहे होते हैं, टॉप ऑफ सर्च, प्रोडक्ट पेजेस एंड अदर सर्चेज। टॉप ऑफ सर्च का मतलब होता है कि आपकी एड फर्स्ट पेज टॉप स्पॉट पे शो हो रही है। प्रोडक्ट पेजेस का मतलब होता है कि डिफरेंट एसिंस के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स और के नीचे जो है आपकी एड शो हो रही है, डिस्क्रिप्शन के नीचे जो आ रहा होगा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। अदर सर्चेज का मतलब ये है कि मे बी आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज के बॉटम पे या मिड पे या कहीं फोर्थ पेज या सेवन्थ पेज पे शो हो रही है। अब अगर आपको 2000 इंप्रेशंस आ गए हैं कीवर्ड्स पे लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कन्वर्ट नहीं हो रहा, इंप्रेशन तो बहुत हैं, तो आप प्लेसमेंट में जाकर देखें कि इंप्रेशन एक्चुअली आपको आ के स्पॉट पे रहे हैं। अगर वो इंप्रेशन आपको प्रोडक्ट पे अदर सर्चेज पे आ रहे हैं लाइक सेवन या एट पेज पे आ रहे हैं तो जब वो बायर को विजिबल ही नहीं है तो चांसेस क्या होंगे कन्वर्जन के। अब आप यहाँ पर देखेंगे अपने कीवर्ड के सिग्निफिकेंस के, आपका कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वो कीवर्ड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है, आपको उसको रैंक करना है, तो आप एक काम कीजिएगा प्लेसमेंट में जाएं और वहाँ पर जाके जो टॉप ऑफ सर्च वाली फील्ड है वहाँ परसेंटेज अप्लाई करें। अभी मैंने अगर 50 सेंट्स बिड रखी हुई है तो आप वहाँ पर 100% अप्लाई करके देखें। 100% अप्लाई करने से क्या होगा, आपने अमेजोन को ये अथॉरिटी दे दी है कि अगर मेरी एड वो फर्स्ट पेज को टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर करता है तो मैं अपनी बिड को 100% मतलब 50 सेंट्स बिड थी मैं $1 पे करने पे रहती हूँ पर क्लिक, लेकिन कब जब मेरी एड फर्स्ट पेज के टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होती है। तो इस तरह से आपकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी अच्छी स्पॉट पर ना, टॉप स्पॉट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी और ये हेल्प करेगी फिर उसकी वर्क करवाई। ठीक हो गया मैम, इसमें मैम इसके अंदर ये आपसे लास्ट तक पूछना है कि स्पॉन्सर एड रैंक का और VVRO का, कि हमने अपनी जो स्पॉन्सर एड जो है उसे हम रैंक करवा रहे हैं, एक तो हम हाई बिट से रैंक करवा रहे हैं या जो भी हमारा बजट है उसके थ्रू हम रैंक कर, और दूसरा हम ये करते हैं कि हम VVRO के थ्रू भी रैंक करवा रहे होते हैं, तो इसमें बेस्ट मेथड कौन सा है। आप जब किसी कीवर्ड को आप स्पॉन्सर रैंक की बात कर रहे हैं ना। यस मैम। यस अच्छा, अब आपने हाइब्रिड प्ले किया, एक मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने हाइब्रिड रखी है ना तो हाइब्रिड से पहले आप एक ऑप्शन यूज कर लें कि प्लेसमेंट का, टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट का। दूसरा ऑप्शन होता है बिडिंग स्ट्रैटेजी में, तीन तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, एक होती है डाउन ओनली, दूसरी होती है अप एंड डाउन, तीसरी होती है फिक्स्ड। तो आप अप एंड डाउन, पहले आप डाउन ओनली से स्टार्ट करें,
उसके बाद आपको अगर डाउन होने पर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अप एंड डाउन कर रहे हैं। अप एंड डाउन में क्या होता है, आम अमेजोन से कहते हैं कि जिस वक्त कन्वर्जन के चांसेस हों उस वक्त मैं मेरी एड को अप टू 100% वो 100% तक मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट अमेजोन। मेरी परसेंटेज को इंक्रीज कर ले जब कन्वर्जन के चांसेज हैं, मेरी बिड इंक्रीज कर ले। एक तो ऑप्शन है अप एंड डाउन का, आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में हायर परसेंटेज का, एक ये चीज है। अच्छा, तो इसके थ्रू आपको काफी हेल्प मिल जाती है रैंक करने के लिए। वीवीआरओ हम कहाँ पे स्पॉन्सर्ड ऐड करके यूज कर सकते हैं और डेफिनेटली हेल्प करते हैं। मेरी एक प्रोडक्ट है जिसका कीवर्ड है मुझे बड़ी अच्छी सेल्स दे रहा था और मैं बड़ी स्मूथ उस पर डेली की सेल्स दे रही थी, लेकिन अब मैं पिछले 4 दिनों से देख रही हूँ कि अब उस पर सेल्स ड्रॉप हो चुकी है और उस पर मुझे कोई एक ऑर्डर भी नहीं आया। अब मैं क्या करूँगी, अब उस कैंपेन में उस ऑर्डर नहीं आ रहा, उसकी जगह दूसरे कीवर्ड्स पे आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी, एक या दो वीवीआरओस उस कीवर्ड को वापस ले लूँगी क्योंकि वो मूविंग कीवर्ड था, लेकिन चलते चलते वो एकदम स्टक हो गया एक जगह पे, अब उससे आगे मैं मूव नहीं कर रहा। अब मैं वीवीआरओ लूँगी ताकि मैं उसको एक पुश दूँ ताकि वो दोबारा से कन्वर्जन में आए। अमेजोन क्या देखता है, अगर आपके 3 या 4 कीवर्ड्स हैं, उन 4 कीवर्ड्स में से 2 पे सेल्स आ रही है जबकि तीसरे कीवर्ड पे आपकी बिड बड़ी अच्छी है लेकिन उस पर सेल नहीं आ रही, और इसकी रीज़न ये होती है अमेजोन को ये नहीं पता कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, ये मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड है इसका क्या मतलब है, या ये कीवर्ड इस प्रोडक्ट का भी है या नहीं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट इसको सेल आ रही है, इसका मतलब ये कन्वर्टिंग सेल है, कन्वर्टिंग कीवर्ड है। और वो जब ये देखेगा कि इन 2 कीवर्ड्स पे सेल्स आ रही है तो वो बार बार उन्हीं कीवर्ड्स को स्पॉन्सर करने लगेगा, बार बार ज़्यादा बजट जो है, ज़्यादा विजिबिलिटी है उन्हीं कीवर्ड्स को देगा जिन पे कि सेल्स आ रही थी। तो वो कीवर्ड जो मेरा कहीं पीछे रह गया था, जिससे पहले तो मुझे सेल आ रही थी लेकिन थोड़ा सा जब उसने ड्रॉप किया तो उसके बाद मेरे उस पर सेल्स रुक गई हैं, उसको पुश करने के लिए भी मुझे उस पर वीवीआरओ लेना पड़ेगा ताकि एक उसको दोबारा थ्रो मिल जाए अपने फ्लो में आने के लिए। तो आप वीवीआरओ यूज़ कर सकते हैं एट सर्टन स्टेज या एक खास सिनेरियो में जहाँ पे कीवर्ड स्टिफल कर जाए, अदरवाइज आप अप एंड डाउन स्ट्रेटजी यूज करें, टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट की स्ट्रेटजी यूज करें, ये हेल्प करेंगी आपको स्पॉन्सर रैंक के। जी मैम, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा मैम, मैं क्लाइंट की लिस्टिंग पे काम कर रहा हूँ, तो लिस्टिंग सप्रेस्ड है, तो मैंने एक तो अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करके देखा है, तब वो कह रहे हैं कि आइटम टाइप कीवर्ड वो आप ऐड करें, ठीक है। और दूसरा मैंने फ्लैट फाइल के थ्रू भी देखा है, तो फ्लैट फाइल में एक्सप्लेनेशन आ रही है कि मेरे जो टाइटल के कीवर्ड्स हैं वो 80 से ज़्यादा हैं, उसको कम करें, तो मैंने वो कीवर्ड्स भी कम करके देखे हैं, इसके बावजूद भी स्ट्रेस्ड है। और आइटम टाइप कीवर्ड मैंने देखा है वो वाइटल इन्फो में, तो वहाँ भी वो जो कैटेगरी है मैंने ऐड की हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेस्ड है। तो और क्या रीज़न हो सकती है, कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या क्या चक्कर है? कि अगर उसने आपको आइटम टैग कैटेगरी आइटम टैग कीवर्ड पुट करने का, तो वो आप बीटीजी से देखेंगे और जो आपको वहाँ पर वैल्यू मिलेगा वो राइट वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो उसने आपको और दूसरा इशू उसने क्या दिया था आपको, दूसरा मैंने फ्लैट फाइल से देखा है टाइटल लेंथ का ना, बिल्कुल। तो टाइटल लेंथ भी आपने उसे कर दी है, अब उसे शॉर्टन की है। हां जी, मैंने कर दी। अब Amazon कर दी है। अब आप Amazon के साथ केस ओपन करें और उसको कहें कि अगर वो उसी केस पे आपको रिस्पॉन्ड ये कर रहा है और मतलब इशू फिक्स नहीं हो रहा सेम केस पे, तो आप नया केस ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर फिर क्योंकि आप इशू तो ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, वहाँ पर आप नया केस ओपन करके उससे पूछें कि मेरी लिस्टिंग सप्रेस्ड में है, तो क्या वो चेक कर सकते हैं कि इशू क्या है यहाँ पर, ठीक है। फिर वो देखें कि वो नई चीज़ कौन सी बताते हैं कि अब क्या इशू है। अच्छा मैम, ये यही लिस्टिंग इसकी तकरीबन 100+ हैं वेरिएशंस, ठीक है, और इसके लिए इसको वो बिल्कुल डेड लिस्टिंग है, पहले कोई किसी एक साल पहले कोई 27 रिव्यूज़ हैं, तो वो उसने मुझे कहा है कि इसको आपने रैंक कर, जी आपकी आवाज़ कट रही है, रैंक करना है।
ये कोई स्ट्रेटजी मुझे मुख्तसर सी बता दें ताकि मैं उस 10 के करीब रिव्यूज हैं, कोई सेल नहीं आ रही, तो उसने मुझे दिया है कि इसको आपने रैंक करना है, सेल वेलोसिटी लेके आनी है इस पे, तो मुझे कोई आप स्ट्रेटजी बता दें मुख्तसर सी ताकि मैं उसके मुताबिक चलूं। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे जो आपको गाइड कर सकती हूँ, मैं दो चीज़ों पे कर सकती हूँ। एक तो ये कि आप सबसे पहले 100 आपका 89 डॉलर प्राइस है इसकी, $89 इसकी प्राइस है। जी, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है अभी जो बहुत मैटर कर रही है, एक तो ये कि आप लिस्टिंग को पहले ऑप्टिमाइज करें। लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज में आप क्या करेंगे, आप देखिए कि क्या सब इम्पोर्टेंट आपने कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं। आपका टाइटल विद इन लिमिट होना चाहिए, बहुत लंबे लंबे ऐसे कॉन्टेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट बात होगी, 250 करेक्टर मैक्सिमम लिमिट होगी पर ईच बुलेट पॉइंट। उसके अंदर रहते हुए आप कुछ सब बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए। इवन के कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं, अगर वो आपको टाइटल में 80 से ऊपर नहीं जाने दे रहा तो फिर हो सकता है कि बुलेट पॉइंट में तो आपको 100 करेक्टर लिमिट से ऊपर नहीं जाने दे। तो आप उसको उसको उस पर काम करें, डिस्क्रिप्शन को सॉर्ट आउट करें। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इमेजेस की, इमेजेस की क्वालिटी कैसी है। दूसरे कंपेटिटर से उसका एनालिसिस करें कि आपके इमेजेस कैसे हैं। 3D इमेज होने चाहिए, लाइफ स्टाइल इमेज होना चाहिए, IG इमेज, इंफोग्राफिक इमेज जो आपके प्रोडक्ट के डिफरेंट जो डिस्क्राइब करे उसके साइज, उसके डायमेंशन को क्लियरली। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेन इमेज आपका। एग्जैक्टली, और ये सिर्फ ये आ गई फ्रंट एंड। अब आप आ जाए बैक एंड। बैक एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक एंड भी आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी वेरिएशन है ना, तो ये वन बाय वन आप सब में जाएं और उसको फिर आप पुट करें तो वो उतना कन्वीनियंट नहीं होगा। तो आप क्या करें कि इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट लें, उसमें आप सारी, जब इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं ना, तो वहाँ पर टेम्पलेट के साथ आप आपको एक और शीट मिल रही होती है जिसमें वैलिड वैल्यूज भी होती है। तो आप देखें कि कौन सी वैलिड वैल्यूज हैं आपके इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, आपको वो फील करना है। अगर वहाँ पर आपको 50 कॉलम्स मिल रहे हैं तो आपको 50 कॉलम्स में से सिलेक्ट करने हैं कि आपके प्रोडक्ट पे कौन कौन से वेरिएबल हैं जो बैठ रहे हैं और आपको उसको फील करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी प्रोडक्ट अगर स्टेनलेस स्टील स्पैचुला है तो मैं फैब्रिक के फील को तो नहीं फिट करूँगी, फिल नहीं करूँगी ना, क्योंकि मेरा फैब्रिक नहीं है, लेकिन मैं मटेरियल में करूँगी। तो आप अब क्या करेंगे, जब आप उस फाइल में जाके मटेरियल पे एक एक आप बड़ा इजी है इसको फिल करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब आप मटेरियल पे जाएंगे ना, जब आप कर्सर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो फौरन आप आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देगा, सॉरी ड्रॉप डाउन वहाँ पर आपको वो आ जाएगा। उसमें आप चेक करेंगे कि वहाँ पर ऑप्शन क्या होंगे, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ग्लास, वुड, बैम्बू, ये सारे मटीरियल के ऑप्शन दिए होंगे। अब क्या, अब इन पांचों को तो नहीं हम लिखेंगे, अब मैं इन पांचों में से चूज करूंगी कि मेरी प्रोडक्ट कौन सी, उसका मटेरियल कौन सा, वो राइट फिगर में वहां पे पिक करूंगी। इस तरह से आप बैक एंड ऑप्टिमाइज करें। बैक एंड पे आपके जो फील्ड्स दी हुई है, इंटेंटली व्यूज दिया हुआ है, सब्जेक्ट मैटर दिया हुआ है, सर्च टर्म्स दिया हुआ है, जो भी आपकी वैल्यूज दी हुई है, उन फील्ड्स दी हुई है, उन सबको फिल करें। और ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, ये डेटा आपको इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट से मिलेगा, इसको फिल करें। तो इससे बहुत आपकी हेल्प हो जाएगी उस लिस्टिंग को बड़ा कन्वर्जन उस पर लाने की। ये आपका आगे लिस्टिंग पार्ट। दूसरा पार्ट है PPC का। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो मोस्ट कन्वर्टिंग ऑर्गेनिकली आपकी जो एसिनेशन है, ऑर्गेनिक सेल्स आ रही हैं, सिर्फ उस SKU को उठाएं। 100 के अगेंस्ट हमने PPC नहीं ऑन करनी है, अभी आप सिर्फ हॉट सेलिंग SKU उठाएंगे। अगर वो दो हैं या चार हैं, उन हॉट सेलिंग SKUs पर कैंपेन ऑन करें। एक कैंपेन में एक एसिन होगी, एक एड ग्रुप होगा। एक कैंपेन में आपको 5 एसिन डालने की जरूरत नहीं है, अलग अलग रखें ताकि, मुझे पता है एक्चुअली जब हम क्या करते हैं, 4 एसिन को हम एक ही कैंपेन में डाल देते हैं ना, उससे क्या होता है, मेरे $10 का मेरा बजट है तो वो उन चारों में डिवाइड हो जाएगा। और चारों में कैसे डिवाइड होगा, एक SKU पर मुझे सेल आ गई है। अब वही बात है, अमेजोन के एल्गोरिथम ने देख लिया कि इस पर सेल आ रही है और मुझे सेल रिपीट होगी उसी SKU पे जिसमें मुझे सेल एक्चुअली आ गई थी। तो $10 में से $7 का बजट तो मेरा वही SKU रह जाएगा, बाकी 3 SKUs को तो मेरा बजट इतना मिला ही नहीं है कि वो विजिबल भी हो ना। तो इसलिए एक कैंपेन में एक एड ग्रुप, एक SKU। मॉनिटर करना भी आपके लिए ईजी होगा, उनको ऑप्टिमाइज करना भी ईजी होगा। तो PPC का तो इस तरह से है कि आप उनको चलाएं इस तरह, ऑटो कैंप ऑटो जो है वो ऑन कर दें। और अगर ऑटो कैंपेन पे आप उसको देखें 2 हफ्ते 3 हफ्ते, अगर वो आपको सेल्स नहीं दे रही हैं, कन्वर्जन नहीं दे रही हैं और सिर्फ आपको कॉस्ट पड़े जा रही है लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे हैं,
तो इस पे फिर ये नहीं है कि आप कहें अभी एक साथ मैनुअल कैंपेन भी चला सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन फोरन से आप एक कैंपेन चलाएं, इधर ऑटो चला लें या मैनुअल चला लें। ऑटो चलाने का फायदा ये होगा कि आपने चार एसक्यूज अगर होलसेलिंग डाल दी है, आपको पता चल गया एक्चुअली सेल्स आपको ज़्यादा किस पे आ रही हैं, ये नए नए कीवर्ड्स कौन से हैं जो बायर अभी इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट सर्च कर रहा है, फिर आप उन कीवर्ड्स को लेकर मैनुअल कैंपेन ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ट्राई करें। PPC का मैंने आपको बता दिया, और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये बहुत जरूरी है, आप इन पर काम करें तो होपफुली ये काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम, जज़ाकअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक क्वेश्चन बेसिक लेवल में शायद पॉसिबल नहीं, मैंने पूछना था कि हमारा जो स्टार्ट में बजट होता है हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि मेरा लेट से मैं कहता हूँ मैंने $15 या $20 रखना है बजट, तो वो हम क्या किस चीज़ को देखते हुए हम आइडिया करते हैं कि इसका बजट इतना होगा स्टार्ट में और इसको हम इस अकॉर्डिंगली चलाएंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर आप ऑटो कैंपेन ऑन कर रहे हैं तो ऑटो कैंपेन में आप $15 से स्टार्ट ले सकते हैं, $15 या $20 आप मैक्सिमम बजट रखें, $50 इस तरह से स्टार्ट ना लें, क्योंकि जब आप शुरू में कैंपेन चला रहे होते हैं ना उस वक्त आपके पास रिव्यूज भी नहीं होते, तो आप $20 से आप स्टार्ट करें। उसके बाद अगर आपकी कैंपेन जब आउट ऑफ बजट जा रही होती है ना, तो अमेज़न ऑलरेडी आपको वार्निंग भेज देता है कि आपकी कैंपेन आउट ऑफ बजट जाने वाली है, तो यू कैन इंक्रीज द बजट लेटर। ठीक है, शुरू में आप $20 पे जाएं। दूसरी ये है कि आप मैनुअल कैंपेन में क्या करेंगे, मैनुअल कैंपेन में जनरली इफ यू आर टारगेटिंग लेस लेट्स से 5 कीवर्ड्स आप टारगेट कर रहे हैं मैनुअल कैंपेन में, उस वक्त तो आप उस पर $20 के बजट के साथ जा सकते हैं, $15 बजट के साथ भी जा सकते हैं, और फिर आप देखेंगे एक ये मैं बात कर रही हूँ ऑन करनी है, ऑन आपने ऐसे कर देनी है। अब इसके बाद जो असल आपकी कैलकुलेशन होती है ना कि अब बजट क्या रखना है, वो आपका डिपेंड करता है 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद जो डाटा जनरेट होता है। अब जब डाटा जनरेट होगा आप मैनुअल कैंपेन में कुछ कीवर्ड्स अगेंस्ट देखेंगे, अमेजोन ने बिड सजेस्ट की थी 50 सेंट्स पर, आपने रखी हुई थी 75 सेंट्स, लेकिन उस पर कोई इंप्रेशन ही नहीं आया, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपको बिड इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर तो इंप्रेशन ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो बाकी सेलर्स हैं वो शायद 75 सेंट से भी ऊपर के बिड रख रहे हैं अभी, हालांकि आपने अमेजोन के सजेस्टेड बिड से 25% ऊपर ही बिड रखी थी, लेकिन स्टिल आपकी एड शो नहीं हो रही, तो यू हैव टू इंक्रीज योर बिड हियर। अब एक और दूसरी सिचुएशन क्या होती है, अमेजोन ने आपको 50 सेंट बिड सजेस्ट की हुई थी, आपने रख दिए 30 सेंट, लेकिन आपको इस पर भी बहुत कॉस्ट पड़ रही है, तो आप यहाँ पर अपने बिड अब डिक्रीज कर सकते हैं। अब लेट्स से मेरे 5 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स से मैंने देखा है कि 3 पे बड़े इंप्रेशन आ रहे हैं और क्लिक्स आ रहे हैं, कॉस्ट पड़ रही है और कन्वर्जन भी स्टार्ट होगी, लेकिन 2 कीवर्ड्स ऐसे जिन पर इंप्रेशन ही नहीं मिल रहे हैं, या आप ये कहें कि एक्चुअली जो बजट है सारा वो 3 कीवर्ड्स ही रह जाते हैं, बाकी 2 कीवर्ड्स को तो बजट ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप 2 काम कर सकते हैं, या तो अपना $20 से बजट इंक्रीज करके $25 कर लें, $22 कर लें, उन दूसरे कीवर्ड्स को भी देने के लिए, लेकिन बजट इंक्रीज करने के बाद भी बहुत चांसेस यही होंगे कि वो जो आपका कन्वर्टिंग कीवर्ड थे वो बजट कंज्यूम कर लेंगे, क्योंकि बार बार अमेज़न उन्हीं को शो कर रहा होगा उनकी हिस्ट्री के बेस पर। तो अब आप क्या करेंगे कि लेट्स से मैंने 5 कीवर्ड्स पे काम कर रही थी ना, 3 पे तो मुझे कन्वर्जन आने लग गई है और $20 बजट पे वो दे रहे हैं इंप्रेशन कन्वर्जन दे रहे हैं, लेकिन कैंपेन मेरी आउट ऑफ बजट चली जाती है, तो चले मैं यहाँ पर अपना बजट इंक्रीज कर लेती हूँ, लेकिन उन 2 कीवर्ड्स का क्या करना है कि जिन पर मेरे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं इस कैंपेन में, उन दोनों कीवर्ड्स को उठाएं, इस कैंपेन में स्विच ऑफ करें, नई कैंपेन क्रिएट करके वहाँ पर उनको $10 के बजट के साथ ऑन करें। अब वो $10 का बजट सिर्फ इन 2 कीवर्ड्स के लिए होगा, बाकी किसी कीवर्ड के साथ इनका बजट स्प्लिट नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, तो इस तरीके से फिर हम बाकी कीवर्ड्स को भी, अब अभी कहा जब आपने स्टार्ट किया तो आपका क्या बजट था, $20 फॉर मैनुअल एंड $15 फॉर ऑटो, लेकिन जब आपने मैनुअल में 2-3 दिन बाद देखा कि इन कीवर्ड को तो बजट मिल ही नहीं रहा है, एक्चुअली वो दूसरे ही कीवर्ड्स ले जाते हैं, अब आपने इन दोनों पर एक्स्ट्रा निकाल कर भी $10 लगा दिया, अब आपका बजट क्या हो गया 20-15+10। तो इस तरह से बजट आपका हम ये कोई ये नहीं कर सकते हैं कि ये एग्जैक्टली बजट मेरा लगने वाला है, बजट आपका डिपेंड करता है जो डाटा नेक्स्ट आपको जनरेट हो रहा होता है। मैंने आपको एक एवरेज बता दिया कि इस तरीके से आप स्टार्ट लें, उसके बाद फिर जिस तरह से किसी की परफॉर्मेंस होती है उसके अकॉर्डिंगली हम बजट इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं।
ठीक है, वैसे एक रफ एस्टिमेट ये होता है कि अगर आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो आप ये इस चीज को जहन में रखें, क्योंकि अभी जो इसी करने जा रहा है वो सॉफ्टवेयर के साथ ही कनेक्ट करके हम सारी पीपीसी लॉन्च किया करेंगे। वहाँ पे $100 पर डे का बजट होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि $3,000 to $3,500 पर मंथ आपका पीपीसी बजट होगा। ठीक है, ठीक है, तो जी 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 ये है आपका उस तरह जब हम एक एवरेज वे एक नॉर्मल मोड में चलते हैं। लेकिन कुछ सिनेरियो होते हैं जब हमें एग्रेसिव जाना होता है, जब सेल्स बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है और हमें बहुत ज्यादा हाई बिल पे प्ले करना पड़ता है, तब ये बजट डबल भी हो सकता है। तो इसमें मैंने पूछना था, इज देयर एनी वे कि हम आइडिया कर सकें कि हमारा कंपटीटर किस कहां पे जाकर बिड कर रहा है, या हम 2-4-5 या हम नीश का एनालिसिस कर सकें कोई इस टाइप का? एक तो Amazon हमें सजेस्ट कर देते हैं ना बिड, वो तो ठीक है, वो अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर स्पेसिफिकली Amazon जो बिड सजेस्ट कर रहा होता है ना, वो मैंने आपको बताया कि Amazon ने 50 सेंट बिड सजेस्ट की है, मैंने 75 सेंट पे किया तो भी मेरी एड विजिबल नहीं हो रही है, जबकि Amazon ने अगर 50 सेंट की है, मैंने 30 सेंट रख दी तो भी मेरी एड स्पॉन्सर हो रही है। तो एक्चुअली जो Amazon सजेस्ट कर रहा होता है ना, वो तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके सजेशन के अकॉर्डिंग भी चलेंगे तो वो ही सही है। आप अगर शुरू में जा रहे हैं तो Amazon आपको कह रहे हैं $1.50 आप इस कीवर्ड पे बिड रखते हैं, आप $1.50 नहीं रखें, आप 75 सेंट से 50 सेंट से स्टार्ट हो, हो सकता है उसी पर रिजल्ट आने लगे। अगर उस पर रिजल्ट नहीं आएंगे तो फिर आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीज करते करते मे भी Amazon आपको $1.50 कह रहा हो और आप हो सकता है इंक्रीज करते करते $2 पे चले जाए, क्योंकि आपको कम बिड पे आ ही नहीं रहा है ना, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए Amazon के सजेस्टेड बिड जो होता मैटर नहीं करता। तो इसमें एक और बात मुझे काइंडली कंफर्म कर दें कि हम जो इसके कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं पीपीसी के लिए स्पेसिफिकली, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इसमें हम स्पॉन्सर्ड एसेंस को भी चेक करते हैं, या अगर हम या अदर वे अराउंड ये वर्क अराउंड ये करते हैं कि जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं उनको पहले टारगेट करते हैं पीपीसी में भी, उसके बाद हम देखते हैं? मेरी जो कन्फ्यूजन है वो यही है कि एक तो हमारे पास ये स्ट्रेटजी है कि हम जिस पे MC1 MC2 चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, गिव अवेज दे रहे हैं, वही पीपीसी, उन पे पीपीसी तो ऑब्वियसली चलनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हम स्पॉन्सर्डेशन चेक करके जिनके स्पॉन्सर्डेशन कम है और जिनका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है उनके ऊपर पीपीसी चलाते हैं, या कोई इसका कोई करेक्टरिस्टिक्स इन कीवर्ड्स की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है जिन पे पीपीसी चलनी चाहिए, जो कह सकते हैं कि हमके गोल्डन कीवर्ड्स, ये गोल्डन कीवर्ड्स हैं पीपीसी के लिए? ऐसा नहीं है कि जिन कीवर्ड्स पे हम मैनेज चार्ट चला रहे होते हैं उन पीपीसी भी चलाते हैं, बल्कि जब हम मैनेज चार्ट चला रहे होते हैं तो हम उन कीवर्ड्स को नेगेटिव में डाल देते हैं पीपीसी में, ताकि मैनेज चार्ट का बायर जो है वो हमारी स्पॉन्सर्ड एड से बाय ना करे। तो मैनेज चार्ट वाले कीवर्ड्स को तो हम पीपीसी में इनिशियली टारगेट करते ही नहीं है, जब मैनेज चार्ट ऑफ करने पर आते हैं ना, ऑफ करने के करीब होते हैं, तब हम उसको नेगेटिव से निकाल देते हैं कि अब अगर अगर हम 5 से ऑर्डर भी ले रहे हैं मैनेज चार्ट के, तो 3 अगर ऑर्गेनिक पे आ रहे हैं, 2 पीपीसी पे आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि पीपीसी का भी रैंक हो जाएगा। तो ये चीज है। बाकी ये कि हम कीवर्ड निकालते किस तरह से, आपने अब एक टॉप कीवर्ड निकाल ली, जैसे आपको टॉप 20 कीवर्ड आ गए हैं, आप स्पॉन्सर रैंक नहीं आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं आपके रेलिवेंट कीवर्ड टॉप 20 कीवर्ड आ गए हैं। उन टॉप 20 कीवर्ड्स के आप बहुत सारे कीवर्ड ऐसे होंगे जो फ्रेजेस में सब कीवर्ड होंगे, सब कीवर्ड से मुराद इस तरह है कि आप देखें आपकी प्रोडक्ट है कुकिंग स्पैचुला, लेकिन एक और कीवर्ड आ रहा है कुकिंग स्पैचुलास, ठीक है, तो कुकिंग स्पैचुलास और कुकिंग स्पैचुला, इन दोनों को आपको अलग अलग कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगुलर पूरा इफेक्ट नहीं कर रहा। आप अगर कुकिंग स्पैचुला लिखेंगे कुकिंग स्पैचुलास को भी टारगेट करेगा इस तरह से। अब उन 20 कीवर्ड में से हो सकते कोई कीवर्ड ऐसा भी हो जिसमें ब्रांड नेम आ रहा हो किसी आपके किसी कंपेटिटर का, उसको भी आप निकालेंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मेरा जो की प्रोडक्ट है वो ब्लैक कलर का है, जबकि टॉप के कीवर्ड्स में वाइट कलर का वो आ रहा है, वाइट कलर के साथ वो प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, मेरी केबल है मेरी ब्लैक केबल है जबकि कीवर्ड आ रहा है वाइट केबल है, बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, लेकिन स्टिल इट्स मतलब कोई रेलेवेंट तो नहीं है कीवर्ड। और दूसरा ये कि फिर अगर स्पॉन्सर रैंक कंपेटिटर का इस पर है भी तो भी मैं इसको कंसिडर इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी प्रोडक्ट के लिए रेलेवेंट कीवर्ड है। तो इस तरह मैं कीवर्ड्स में निकालूंगी जिन जो कि सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को मैं एक कैंपेन में रखूंगी, फिर मैं देखूंगी लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल की और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स मैं फ्रेज मैच टाइप में रखूंगी, वो कीवर्ड्स जिनका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनको मैं सेपरेट कैंपेन में ऑन करूंगी विद एग्जैक्ट मैच टाइप, क्योंकि वो तो ऑलरेडी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, उनको अगर मैं सेपरेट विद एग्जैक्ट मैच टारगेट कर भी लूंगी
तो उसमें से मजीद फ्रेजेस क्या निकल रही है ना, तो इसीलिए मैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को विद एग्जैक्ट मैच का टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है, अभी आपने एक बात की कि आप अगर सिंगुलर प्लूरल्स दो हैं तो हम सिंगुलर को ले लेते हैं, तो हम लेट्स से आपने अभी जैसे बात की किचन स्पैचुलास की बात करी थी अभी, सिलिकॉन स्पैचुला, तो हम सिलिकॉन स्पैचुलास करेंगे और सिलिकॉन स्पैचुला हिट होगा, इज दैट सो? एग्जैक्टली, आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लें जिसका सर्च वॉल्यूम अच्छा वो ले लें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा आप कुकिंग स्पैचुला को टारगेट करें या कुकिंग स्पैचुलास को करें, ये दोनों एक दूसरे को अल्टरनेट है, दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करेंगे। लेकिन मैंने ये इसी में ही अंडरस्टैंड किया या सुना है मैंने कि वो कहते हैं कि प्लूरल को आप टारगेट करें और सिंगुलर रैंक होता है, लेकिन अगर आप सिंगुलर को टारगेट कर रहे हैं तो फिर प्लूरल हिट जरूर होगा लेकिन वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह प्लूरल कर सकता है सिंगुलर को। नहीं नहीं, आप ये देख लें कि किसका सर्च वॉल्यूम हाई है, मैं तो यही ऐसे ही करती हूँ कि जिस सिंगुलर प्लूरल में से जिसका सर्च वॉल्यूम हाई है मैं उसे कंसीडर कर लेती हूं। ठीक है, सही। एक्चुअली मैंने एक छोटी सी लॉन्च थी तो उसमें हम कर रहे थे, तो उसमें वो हमने भी प्रोडक्ट लाइव ही हुई थी लिस्टिंग, तो हमने भी पीपीसी ऑन कर रहे थे उस पर भी, मतलब अभी प्रॉपर चलाई नहीं थी कंपेन, तो हमें एक दो ऑर्गेनिक ऑर्डर तो वैसे ही आ रहे थे उसके ऊपर, पता नहीं वो क्या हो रहा था उसके ऊपर। अभी ऑटो हमने चलाई है लेकिन वो ऑटो से ज़्यादा हमें ऑर्गेनिक ऑर्डर आ रहे हैं, अभी हमने ना कोई गिव अवे किया उसके ऊपर, कुछ भी नहीं किया हुआ हमने। चलिए अच्छी बात है, फिर आप एक काम कीजिए कि अगर जो वैसे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पीपीसी भी आपको उसकी शेयर आ रही है, ऑटो पे इतनी नहीं आ रही, ऑर्गेनिकली आ रही है, तो आप एक काम करें जो आपके सुपर रेलेवेंट कीवर्ड है ना उनको निकाल के मैनुअल कैंपेन विद फ्रेज मैच टाइप उसको भी ऑन कर दीजिए, बहुत हाई बजट शुरू में ना रखें, तो लो बजट मतलब आप जैसे $20 बजट पर डे या $15 रखा हुआ है, अभी कैंपेन चल रही है वो $20 पे चल रही है, और वो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली वो मेरा ख्याल है कि अच्छी हुई है उसके कीवर्ड्स के रेलेवेंट, इस वजह से शायद might be that would be the reason। बिल्कुल बिल्कुल, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली मैटर करती है, तो आप बस इसी तरह से कीवर्ड्स को आप निकालिए और उस पर जो आप मैनुअल कैंपेन भी ऑन कर रहे हैं, ऑटो कैंपेन अगर रिजल्ट नहीं देती है कॉस्ट दे रही तो आप उसे ऑफ करें, उस पर मैनुअल पर रिलाई करें। ऑटो या मैनुअल कौन सी चलेगी ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑटो ही चलाएंगे सिर्फ मैनुअल ही चलाएंगे दोनों ही चलाएंगे, मैं दोनों ही ऑफ करते हम चलाएंगे दोनों, जिस पे कन्वर्जन हो रही है रिजल्ट दे रही है उसको उसके साथ प्रोसीड कर देंगे दूसरी बॉक करेंगे। ठीक है, अभी मैं फिर इतना करूंगा कि जो मेरे मैंने रेलेवेंट टारगेटेड कीवर्ड्स मैंने उधर डाले हैं उनको मैं उठा के एग्जैक्ट फ्रेज में चला देता हूं। जी, और एग्जैक्ट 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 फ्रेज में फ्रेज में जी फ्रेज पे बिल्कुल जी। ठीक है, थैंक यू, जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैम, ये एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, तो इसकी लिस्टिंग में इशू है कि जो सुपर रेलेवेंट और हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन उन पे रैंक करना भी ज़रूरी है, तो उसको पीपीके से थ्रू कैसे टारगेट किया जा सकता है, और या फिर उनकी कोई अगर रैंकिंग मेथड कैसे उसको रैंक किया जा सकता है उन कीवर्ड्स पे? मैं समझ ही नहीं हूँ कि मेन कीवर्ड्स आपके रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब? जब उनको उसके बेसिकली जो मेन कीवर्ड जब ऐड करते हैं ना टाइटल में, तो वो उसके लिए एफडीए का अप्रूवल मांगता है उस प्रोडक्ट का, हेल्थ केयर फिटनेस टाइप प्रोडक्ट है, तो वो जो कि क्लाइंट के पास नहीं है, तो अब अगर और वो कीवर्ड्स भी जो हैं वो हमारे हाई सर्च वॉल्यूम है, मोस्टली जो टॉप कंपटीटर्स हैं वो वहाँ से ही सेल निकाल रहे हैं, तो उसको उन कीवर्ड से बेनिफिट लेने का क्या मेथड हो सकता है? देखिए, एक तो ये कि अगर वो कीवर्ड इतने इम्पोर्टेंट है और आप उसे कंटेंट में इंडेक्स ही नहीं कर सकते हैं, तो आप उस पर कन्वर्जन किस तरह से आप ले कर आएंगे? लेकिन ये है कि अगर वो आपको टाइटल पे फ्रंट एंड पे नहीं डालने दे रहा, तो आप एक कोशिश ये कर सकते हैं कि उसको बैक एंड पे डाल के देखें, बैक एंड में सर्च टर्म्स में डाल के देखें, वहाँ पर ये हो सकता है आपकी हेल्प कर दे। दूसरे पर ये करें कि आप इसको पीपीसी के थ्रू टारगेट कर लें, एक आप बैकएंड सिस्टम में डालें, सिस्टम में डालने के बाद अगर अमेजोन आपसे किसी किस्म का कोई नहीं इशू करता, लिस्टिंग आपकी फाइन रहती है, फिर आप इन कीवर्ड्स को पीपीसी में भी टारगेट कर लें, तो वहाँ पर भी फिर मतलब इस थ्रू हम उसको भी कर सकते हैं, इन कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं पीपीसी के थ्रू। ठीक है, ठीक है, और सेकेंडली मैम, ब्रेक इवन एकोस का जो है, इस की ये बेसिकली हमारा
जो प्रॉफिट परसेंटेज है वही नहीं होगा, क्योंकि ये से प्रॉफिट डिवाइड बाय प्राइस है आपके, मैं उसमें लेक्चर में देख रहा था, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय आपकी सेल प्राइस, तो ये काइंड ऑफ आपका द परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही हो गया ना, बिल्कुल वही होगा। चले ठीक है, थैंक यू। मुझे अनम्यूट अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मैडम, क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, मैंने एक दो चीज़ें बस शॉर्ट शॉर्ट ही पूछनी थी। मुझे ये बताइएगा कि जो हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी है वो टाइटल को देना है कीवर्ड्स एडजस्टमेंट के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही, सबसे पहले टाइटल, ठीक है, और सेकंड में सेल टर्म्स और बुलेट सेल टर्म्स और सब्जेक्ट मैटर्स, ये आएंगे सेकंड प्रायोरिटी में? नहीं, सबसे पहले टाइटल आता है, फिर आपके बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका फ्रंट एंड होता है एक्चुअली, जिसमें आपका टाइटल है, बुलेट पॉइंट्स हैं और फिर डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद आप बैक एंड पे आ जाए, बैक एंड में सबसे इम्पोर्टेंट आपके सर्च टर्म्स हैं, फिर सब्जेक्ट मैटर है, फिर बाकी पेज है, ठीक है। और जो सब्जेक्ट मैटर और सर्च टर्म्स हैं, ये बेसिकली लिस्टिंग पे कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहे होते, शो नहीं हो रहे होते ये टेक्स्ट, लेकिन ये आपके वर्क कर रहा होता है, इसमें जो कीवर्ड्स आते हैं वो इंडेक्स होते हैं, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे होते हैं। सर्च टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है, सर्च टर्म्स में आप अपने प्रोडक्ट का जो सब मेन कीवर्ड्स हैं उसको आप डालेंगे, बेशक वो आपके टाइटल में आ गया, दोबारा अगेन हम सर्च टर्म में डालते हैं, सर्च टर्म्स में डालेंगे, बिल्कुल सर्च टर्म्स में हम डालेंगे। ओके और इसके अलावा सर्च टर्म का जो करेक्टर एक अलाउड होता है वो कितना है, 250 करेक्टर से ऊपर ना जाएं हम उसमें भी? एग्जैक्टली 250 करेक्टर से ऊपर नहीं जाते हैं, और कोमा से या फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं करते हैं, सिर्फ स्पेस काफी होती है, स्पेस से करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं वो टोटल 5 हम राइट डाउन कर सकते हैं? जी बिल्कुल 5 कर सकते हैं, और सब्जेक्ट मैटर डालना काफी कन्वीनियंट है। अभी जब आप अपने लिस्टिंग को एडिट करेंगे, सब्जेक्ट मैटर पे आप क्लिक करेंगे ना फील्ड पे, तो वहाँ पे वो आ जाएगा, आपके पास ड्रॉप डाउन एक लिस्ट आ जाएगी, आप वहाँ से जो भी आपके ऑप्शन है आप हर फील्ड में एक एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास ना जो ये सब्जेक्ट मैटर है ये 5 नहीं आ रहे, 3 आ रहे हैं, वहाँ पर नीचे तीसरे के नीचे आप देखेंगे ब्लू कलर का साइड पे ऐड मोर लिखा होगा, ऐड मोर पे उधर रिमूव का तो आ रहा है, ऐड मोर का नहीं आ रहा, मतलब तो इसका मतलब है आपके केस में आपको सिर्फ वो 3 ही आ रहे होंगे, आप नहीं आ रहे हैं, उन 3 को फिल कर देंगे, ठीक है। और इसको इसको भी इसके अंदर भी 250 करेक्टर पर सब्जेक्ट मैटर हम फिल कर सकते हैं या 50 करेक्टर पर सब्जेक्ट? नहीं आई गेस, नहीं ये वैसे जब मुझे याद है आप लेस देन 80 होते हैं, शायद 50 या 80 होते हैं, इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, मैं भी स्टडी कर रहा था तो 50 आ रहे थे, 50 जी जी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इस पे जब आप, और वैसे भी ये कोई इतना नहीं है मुश्किल, जब आप टाइप करेंगे ना तो आप एक काम कीजिए, आप कुछ भी उस पर टाइप करते जाएं उस फील्ड पे जाके, जैसे ही करेक्टर लिमिट एक्सीड करेंगे वो नीचे वार्निंग दे देगा कि आप इतने करेक्टर से ऊपर 50 से ऊपर आप चले गए हैं, या वो कह देगा आप 80 से ऊपर चले गए हैं, तो पता चल जाएगा कि कितनी लिमिट है, कितनी लिमिट है, ठीक 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 ठीक। मैडम बस यही था क्वेश्चन, इसके अलावा इमेज से रिलेटेड था, वो मुझे एक हायर लिमिट चाहिए थी, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं उसका पिक्सल्स ना, वो तो अभी पता लगे 10,000 पिक्सल से हम ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन इमेज का जो MBs में साइज होता है उसके अंदर भी कोई लिमिटेशन है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि इतने MBs से ऊपर ना हो इमेज? जी जी, इसमें क्या है कि एक तो आप अगर खुद से इसको देखना चाहें तो ये आपको मिलेगा इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट जो हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पर, या आप BTG रिपोर्ट भी अगर ले लें तो वहाँ पर वहाँ पर आ रही होती है ना कि इमेज के भी इंस्ट्रक्शंस आ रही होती है, उधर प्रॉपर आपको इमेज का बताया होता है कि मेन इमेज आपका ऐसा होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई लोगो नहीं होना चाहिए, कोई URL नहीं होना चाहिए, मुझे बाकी सब डिटेल मिल गई, लेकिन ये MB साइज जो है ना कि इतने MB से अबव ना हो या इतने MB से डाउन हो ये कोई कहीं नहीं मिली अभी तक,
तो ये मैंने डिस्कशन की थी, वो ये कहते कि जब आप अपलोड करेंगे ना पिक्चर तो अमेज़न खुद सप्रेस कर देगा इमेज को, अगर वो एक्सटेंड हुई साइज से तो वो सप्रेस हो जाएगी। ऐसा ही है, बिल्कुल है। अगर आपने उसको ज्यादा किया होगा, ज्यादा ज़ूम आउट किया होगा, तो वो आपकी लिस्टिंग सप्रेस करके आपको बता देगा कि ये रीजन है, आप इसको कर ले। या आप एक काम कर सकते हैं, अमेज़न के साथ केस ओपन करके भी पूछ सकते हैं कि क्या उसको मतलब क्या लिमिट अलाउड है इमेज के लिए। अच्छा अच्छा, मैम एक चीज और बताइएगा कि 9 इमेजेस मुझे अलाउ कर रहा है अमेज़न, तो जो गैलरी इमेजेस होती हैं, अगर मैं गैलरी में वीडियो अपलोड करना चाहता हूं तो वो भी इसी इमेज के जो आखिरी इमेज होगी उसमें हम वीडियो अपलोड कर देंगे इमेज की बजाय, ये होगा? एग्जैक्टली ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। और उसके अंदर कोई उसके अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट्स हैं इमेज वीडियो के, वीडियोग्राफी के, ये इतनी उसकी डायमेंशन होनी चाहिए या ऑडियो नहीं होनी? नहीं नहीं नहीं, उसमें ये है कि 30 to 45 सेकंड की होनी चाहिए। 30 to 45, ये वो वाली वीडियो है जो गैलरी में अपलोड होगी? एग्जैक्टली, आप इसको गैलरी में भी अपलोड कर रहे हैं या आप इसको, वैसे मैं तो रेकमेंड करूंगी कि सभी आप सब जो हैं आप वीडियो तो अपनी रेडी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। अगर आप उसे गैलरी में अपलोड नहीं करते हैं, आपने अपलोड किया, अमेज़न ने सप्रेस कर दिया, किसी भी रीजन से आप नहीं एक्टिव कर पा रहे हैं और वहां से हट गए हैं, तो स्टिल आपको ये पीपीसी में हेल्प करेगी, क्योंकि वीडियो पीपीसी अभी जो है वो बहुत जहाँ जहाँ पे ये ऑन हुई है बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो आप वीडियो एक्चुअली आपको फायदा देगी ही, वहाँ पे नहीं डालेंगे तो आप इसको मतलब लिस्टिंग पे नहीं अगर डालेगी तो आपकी पीपीसी में डल जाएगी, तो हेल्प तो ये आपको करेगी, आप इस पर काम करें। अच्छा, इसके अंदर एक था कि आप एक वीडियो बना जिसमें आपने 3-4 कंटेंट कवर कर लिए, लाइक हाउ टू अनबॉक्स, हाउ टू यूज, हाउ टू असेंबल, इस तरह के 3-4 कंटेंट, और इन्हीं की आप अलग अलग भी बना लें छोटी छोटी, ताकि अगर हमने स्पॉन्सर्ड वीडियो चलानी है तो हम कोई एक छोटी उसके अंदर चला सकते हैं, लाइक इसी तरह। आप ये बात कर रहे हैं कि वीडियो में ये चीजें कवर करनी है प्रोडक्ट के वीडियो में? जी बिल्कुल, प्रोडक्ट के वीडियो में आप क्या चीज हाईलाइट करेंगे जो उसके फीचर है, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको, एक्चुअली उसके यूजेजेस जो उसमें, फॉर एग्जांपल मेरे प्रोडक्ट है कवर है मेरा, ये पिलो कवर है, लेकिन स्पैचुला भी हो सकता है, लेकिन अभी एग्जांपल ये पिलो सेम में आई है, पिलो है लेकिन जो ऑर्डिनरी पिलो है उनका जो है जिप नहीं है, मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी जिप है, तो मैं अपनी उस वीडियो में वो चीज़ दिखाऊंगी कि जिप क्लियर है और इसको मतलब यूज करना इजी है, ये वॉशेबल है, तो जो उसके फीचर एक्स्ट्रा हैं, जो उसके जिसकी वजह से जब आप वीडियो बना रहे हैं ना तो आप उसको उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, उसको हाईलाइट करना है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट आपने रखा हुआ है अपनी प्रोडक्ट। बिल्कुल, आप उसको खुद बायर बन के देखें ना कि मुझे इस प्रोडक्ट में क्या चाहिए होगा, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे मिल जाए तो मैं ये ले लूँ, उसके उस तरह से आप उसको बनाए, सिर्फ जो जो जिस पॉइंट से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को आप उसको वहां पर हाईलाइट करें। और बिल्कुल एग्जैक्टली आप उसमें वैसे स्ट्रक्चर गाइड जो है ना वो वीडियो में कवर करना है शायद इतना इजी ना हो सके, कुछ प्रोडक्ट होती है असेंबल करना अगर उसमें ज्यादा स्टेप्स होते हैं तो बहुत ईबीसी में भी डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं। एक तो अभी हमने अपनी लॉन्च स्टार्ट की है कुछ दिन पहले, एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि वीकेंड पे हमारे फेसबुक एड्स भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जिस तरह से मतलब 3-4 दिन पहले कर रहे थे, और कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी कम है, मतलब ओवरऑल स्लो ट्रेंड देखने में आया है, तो क्या ये एक जेनेरिक ट्रेंड है अमेज़न पे कि वीकेंड पे इतनी सेल्स उस तरह से नहीं होती या एड्स उस तरह से परफॉर्म नहीं करते? सेकंड, ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे संडे को सबसे अच्छी सेल होती है, तो आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो सकती है जिसमें इस तरह से सिनेरियो के वीकेंड पे उसकी सेल्स नहीं आ रही हैं। नहीं, ये भी आप जो कह रही हैं कि रिसेंट आपने लॉन्च किया तो आप इससे कुछ टाइम आप बिहेवियर देखें, अगर आप सेकंड वीक भी यही देखती हैं कि वीकेंड पे आपकी सेल्स नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है जिस तरह से
हमारे कन्वर्टिंग आवर्स होते हैं ना, इस तरह से कन्वर्टिंग डेज भी होते हैं, पीक आवर्स डेज भी होते हैं. तो आप इसका मतलब होगा कि आपकी कैटेगरी, आपके नीच में जो वीकेंड है वो ऑफ में आ रहा है, आपके जो वर्किंग डेज है वो आपके आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि अमेजोन जो है ना हाई उस टाइम पे कन्वर्जन अच्छी हो रही होती है. तो आप फिर कुछ देर मजीद जिसको ऑब्जर्व करने के बाद जवाब से डिस्कस करके फाइनलाइज कर सकते हैं कि आप उन दिनों में अगर वीकेंड पे सैटरडे संडे मतलब आपको कॉस्ट पड़ रही है, सेल्स नहीं आ रही हैं, तो वहाँ पे आप इसको भी रिड्यूस कर लें, अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें या ऑफ कर लें, जिस तरह से वो फिर आपको उसको गाइड करें. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सब इस सब केसेस में ऐसा होता है, डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट होता है. कहीं पर वीकडेज में अच्छी सेल्स आती हैं, कहीं पर वीकेंड्स में अच्छी सेल्स आती हैं, कहीं पर पूरा वीक ही एक नॉर्मल आती है, कोई एक दिन ऐसा होता है जिस दिन सेल ख़राब हो जाती है, और वो भी ये नहीं है कि हमेशा उसी दिन होती है. तो ये ऊपर नीचे तो होता रहता है. सही. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा निबल पीपीसी से रिलेटेड है कि इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें कि निबल पीपीसी का क्या एडवांटेज है, इसको हम इनिशियली क्यों स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे मॉनिटर करना चाहिए और इसकी मिनिमम बिड वगैरह कितनी होनी चाहिए. अच्छा जी, ये जो है एक्चुअली AI सिस्टम है, ये हम इनिशियली तो नहीं एक्टिव करते हैं किसी भी अकाउंट के साथ, हम फर्स्ट स्टेज पे जाते इसको एक्टिव नहीं करते हैं. पिछले दिनों हम इसे कनेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब जब तक हमारे पास किसी भी अकाउंट पे 20 रिव्यूज नहीं आ जाते, हम इस सिस्टम को कनेक्ट नहीं करेंगे. इस सिस्टम को कनेक्ट करने के बाद दो तरह के मोड होते हैं, एक होता है नॉर्मल मोड, एक होता है एग्रेसिव मोड. नॉर्मल मोड में आप एक्सपेक्ट करें कि आपको डेली का 100 to 120 or 130 डॉलर पर डे बजट लगाना है. एग्रेसिव मोड में आप 300 डॉलर पर डे बजट हमारा लग रहा होता है. तो इस तरह से ये है, बिल वगैरह आप कुछ खुद से फिक्स नहीं करेंगी. आप किसी कैंपेन को ना अपनी मर्जी से ऑन कर सकती हैं, ना ऑफ कर सकती हैं, ना बिल चेंज कर सकती हैं, ना कीवर्ड्स ऑन ऑफ कर सकती हैं. जो चीज़ भी करेगा सिस्टम अपने एंड से करेगा. लेकिन अगर आपको किसी किस्म का डाउट है या आप कंफ्यूज हैं या आपको लग रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहती हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट टीम. मैं हूँ यहाँ पर, टीम मेम्बर्स और हैं, आप हमें कांटेक्ट करेंगे रिलेवेंट पर्सन को और वो आपके लिए उस चीज़ को फिक्स कर देगा. लेकिन आप खुद से नहीं करेंगी. आप ये परफॉर्म कैसे कर रहा होगा, ये कीवर्ड्स कौन से टारगेट कर रहा होगा, ये बिट कौन सी रख रहा होगा, वो सब कुछ आप अपने कैंपेन मैनेजर में देख सकती हैं, विजिबल होगा आपको. लेकिन सिर्फ एक जो है रिस्ट्रिक्शन है, वो आप अपने एंड से मैनुअली कुछ कर नहीं सकती हैं. कुछ अगर आपको चेंज करना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करें. सही. अच्छा, हमें तकरीबन 5 दिन हुए अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए, तो जवाद भाई ने हमें कल कहा था कि हम आपसे कांटेक्ट करें परसों, बल्कि निबल पीपीसी के लिए रात को. तो फिर हमने कल से हमारी निबल पीपीसी ऑन है, हालांकि हमारे पास आज पहला रिव्यू आया है अपनी प्रोडक्ट पे. तो आपने कह रही 20 रिव्यूज होने चाहिए. बिल्कुल, ये जिन जिन अकाउंट्स को हमने कनेक्ट कर दिए वो तो सॉफ्टवेयर के साथ चलेंगे, लेकिन नए आने वाले सब लॉन्चेस को जो कि कल से स्टार्ट हुई है न्यू लॉन्चेस, उन सब पे अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए 20 रिव्यूज के. सही, ठीक है. जस्ट बस थैंक यू, यही क्वेश्चंस थे. PPC लॉन्च आपने पहले भी डिस्कस किया है दूसरे मेंबर्स के साथ, मुझे काफ़ी बातें क्लियर हो गई हैं कि एक तो हमने फ्रंट एंड और बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन करनी है. सेकंड जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाह रहा था स्ट्रेटजी, वो ये है कि हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, हम जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो हैं वो टारगेट अगर करें PPC में, और बाद में जब वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए, वो रैंक हो जाए, तो देन हम एक स्टेप अप चले जाएं और उससे ज़्यादा जो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट करें. तो जो ये वाली स्ट्रेटजी है, ये आपके ख्याल में कैसी रहेगी? आप सही कह रहे हैं और हम इस तरह करते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चेंज यहाँ पर कि आप जब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं
उनके साथ साथ आप अपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को भी टारगेट करें। यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं, सिर्फ कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं उनके मैच टाइप आप एग्जैक्ट रखें, क्योंकि एग्जैक्ट का क्या मतलब होता है कि सिर्फ हाँ बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली ऑलरेडी लॉन्ग टेल है, प्लस क्योंकि इन कीवर्ड्स के पे हमें जो रेलेवेंट ट्रैफिक मतलब इस फ्रे इन लॉन्ग टेल से भी मजीद फ्रेजेस निकले, इतनी हमें ब्रॉड टारगेटिंग नहीं करनी है, हमें वही ट्रैफिक चाहिए जो एग्जैक्ट ये कीवर्ड्स टाइप कर रही है। तो ये चीज़ है। दूसरी है कि आप साथ हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ऑन करें। वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टेल के लिए आप बिड हाई कर दें, या आप ये कर लें कि टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट परसेंटेज बढ़ा दें कि मेरी इन कीवर्ड से विजिबिलिटी अच्छी हो ताकि कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा हों। लेकिन जो आपके हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, बहुत बड़ा कीवर्ड है और आपको लग रहा है कि ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट दे रहा है, आप उसको अग्रेसिव मत जाएं उस पर। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसे ऑफ कर दें। यहाँ पर वैसे एक एक चीज़ आपकी हेल्प कर सकती है, जो आपका मेन कीवर्ड है ना, आप उसको फ्रेज मैच टाइप पर ऑन कर लें, फ्रेज मैच टाइप पर ऑन कर लें। इससे ये बहुत सारी मल्टीपल फ्रेजेस को टारगेट करेगा और कन्वर्जन देगा। और जब आप कस्टमर सिस्टम रिपोर्ट में जाएंगे, आप देखेंगे कि 3 हफ्ते हो गए हैं मेरी जो प्रोडक्ट थी स्पैचुला, सिर्फ स्पैचुला पे मुझे बड़ी ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है, जबकि जो इस कीवर्ड से डिफरेंट फ्रेजेस निकल रही है ना, लाइक सिलिकॉन स्पैचुला निकल रही है, सिलिकॉन स्पैचुला फोर किचन निकल रहा है, कुकिंग स्पैचुला निकल रहा है, इन सब पर तो सेल आ रही है। लेकिन एक्चुअली जो मेरा मेन कीवर्ड था जिस पे मुझे सेल जो मेरा सुपर रेलेवेंट और बहुत हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है, इस पर मुझे लॉस हो रहा है, तो फिर आप उस वक्त सिर्फ उस कीवर्ड को उस कैंपेन में नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल सकते हैं। लेकिन और फिर आप उसको लेटर ऑन उस पर काम कर सकते हैं, जब आपको लगे कि मैं काफ़ी कीवर्ड्स पे रैंक हो चुका हूँ, मेरे पास रिव्यूज भी हैं, अब मैं बड़े कीवर्ड को टारगेट कर सकता हूँ, उस वक्त फिर आप उसको सैटेलाइट कैंपेन में विद एग्जैक्ट मैच टाइप टारगेट कर लें। लेकिन इनिशियली आप ऑन करें जी, जो है फर्स्ट हम पीपीसी ऑन करेंगे एग्जैक्ट पे, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा हूँ जो मैनुअल है वो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड एग्जैक्ट में डाल देंगे, सही है। आप जब वो हमें पता चले कि ये भी कन्वर्ट हो गए रैंक हो गए हैं, तो फिर हम जो है ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड मैनुअल में डाल देते हैं। ऑटो तो ऑन रहेगी ना, ऑटो से जो कन्वर्ट होंगे वो तो हम साथ मैनुअल में डालते जाएंगे, जब वो आपको रिजल्ट देना खराब करे, जब वो आपको हाई कॉस्ट देना स्टार्ट कर दे तब ऑफ करेंगे, अदरवाइज नहीं। सेकंड में मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एसएम टारगेटिंग कैसे करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्ट्रेटजी बताएं, ऑटो में कैसे करते हैं और मैनुअल में कैसे करते हैं। तो ऑटो में तो हम नहीं करते ना, ऑटो में तो अमदर खुद ही आपको डिफरेंट रेसिंग्स के अगेंस्ट स्पॉन्सर कर रहा होता है, तो फिर उस वक्त आप जब मैनुअल में हम क्या करते हैं, मैनुअल में आप जाएंगे जब कैंपेन मैनेजर में जाएंगे वहाँ पर आएगा क्रिएट कैंपेन, क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, कैंपेन का नेम पुट करेंगे, स्टार्ट डेट डालेंगे, एंड डेट नहीं डालेंगे। ये मुझे आता है, मैं मेरा क्वेश्चन ये है, ये मैडम मेथड का मुझे आइडिया है जी जी, मेरा पूछने का मकसद ये है कि मैं कौन से वाले कंपटीटर का एसएम जो है टारगेट करूंगा, ए को करूंगा, बी को करूंगा या सी को करूंगा। हां हां बिल्कुल। अच्छा इसमें क्या है कि लेट्स से आपके ए बी सी के कंपटीटर्स हैं, जो कंपटीटर ए है उस पे आपकी अच्छा शुरू में तो वैसे मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जब आपने लॉन्च किया उस वक्त आप किसी को भी टारगेट ना करें। उसकी रीज़न ये है कि आप भले किसी भी हाई बिड कर लें और उन कंपेटिटर्स को कर लें, उस पर अगर ट्रैफिक डेली के 200 आ रहे हैं शॉपर्स, तो वो आपकी लिस्टिंग पे भी बाय लैंड होंगे, क्लिक भी करेंगे, लेकिन ऐड टू कार्ट के चांसेस कम होंगे, क्योंकि कोई आपसे $4 के प्रोडक्ट लेने के बजाय $6 की आपके कंपेटिटर से ले लेगा, क्योंकि उसके पास 600 रिव्यूज भी हैं, आपके पास 0 रिव्यू है। तो और मुझे नहीं पता कि ये ऐसे मुझे कॉस्ट देने वाली है या बेनिफिट देने वाली है, तो शुरू में तो मैं मतलब रिकमेंड ही नहीं करती हूँ कि आप एसएम टारगेटिंग करें। हाँ, एसएम टारगेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, कस्टमर सिस्टम रिपोर्ट जो आप डाउनलोड करते हैं ऑटो पीपीसी की, वहाँ पर आपको
एसेंस मिलती है जिनके अगेंस्ट आपको सेल्स आई होती है, ऐसी एसेंट जिसके अगेंस्ट आपको मोर देन 5 सेल्स आई हैं या 5 सेल्स आई हैं, आप उसको टारगेट कर सकते हैं, आप उसे कंसीडर कर सकते हैं कि वो आपको सेल दे। मतलब ऐसे तो हम नहीं करेंगे, जिन एसेंस की, जिन एसेंस के रिव्यूज या रेटिंग हमारे से ज्यादा है उसको तो हम नहीं ना दिखाएंगे, वो तो उल्टी बात बन जाएगी कि भी हमारी सेल की बजाय वो सेल उधर कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल, हम कभी भी जॉइंट कंपेटिटर को, डोमिनेंट कंपेटिटर को टारगेट नहीं करेंगे। छोटे छोटे सेलर्स आप ले सकते हैं जिनके रिव्यूज ऑलमोस्ट आपके बराबर है, लेकिन नहीं है जिनकी, जिनकी इमेज ऑप्टिमाइज नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि पीपीसी का आपने बताया है कि एक सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे, आप उसका नाम शेयर कर सकती हैं? सेलर बोर्ड तो नहीं है या कुछ और है? नहीं, ये निम्बल सॉफ्टवेयर है। अच्छा, तो वो हमें डीसी स्टूडेंट्स को कैसे उसकी एक्सेस वगैरह मिलेगी और कैसे? वो जब आप लाउंज में आएंगे तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे उसके साथ, आपको इसके अलग से एक असाइनमेंट की जरूरत नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अनिजबा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हम इनिशियली अपनी लॉन्च करते हैं तो उस वक्त हम पीपीसी को जब ऑटो पे शुरू करें तो किस तरीके से, कौन सी स्ट्रेटजी या किस तरीके से उसको ऐसे किया जाए कि जब हमें पता चल जाए कि हमारा एक स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो हमें सेल दे रहा है और उसको हम मैनुअल एग्जैक्ट में लेके जाएं तो हमें पता हो कि उसकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है। इसका ये तरीका है कि जब आप ऑटो कैंपेन ऑन करें तो आप उसको दो पार्ट्स में कर लें, एक में आप सिर्फ क्लोज मैच और लूज मैच को ऑन करेंगे, सबसे उसके कॉम्प्लीमेंट्स को ऑफ कर दें, और जो दूसरी कैंपेन होगी उसमें आप क्लोज मैच और लूज मैच को ऑफ करके कॉम्प्लीमेंट और सब्सिट्यूट्स को ऑन कर दें। इस तरह से आप दो पार्ट्स में कर लें, एक पार्ट सिर्फ एसेंस को टारगेट करता है जबकि दूसरा पार्ट आपको सिर्फ कीवर्ड्स को टारगेट करता है, तो ये आपको फिर हेल्प करेगा कीवर्ड्स को देखने में कि कहाँ पर आपको आ रही है कन्वर्जन, आपको कहाँ से आ रही है। जी थैंक यू सो मच। बस जी मेरा ये क्वेश्चन, अभी जो इसी के अभी जो न्यू स्ट्रेटजी है उससे अकॉर्डिंगली अभी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जब तक आपके पास 20 भी व्यूज नहीं हो जाएंगे तो आप लोग कैंपेन ऑन नहीं करेंगे। अभी जो भी क्वेरीज हैं मैं उस पर सीधे भी आपको गाइड कर रही हूँ फरवरी, क्योंकि बहुत सारे आप जैसे हैं जो क्लाइंट्स के कैंपेन हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए आपके जो भी क्वेरीज हैं उनका सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन एज वेल एज आपकी जो अपनी लॉन्चेस कंसर्न कर रही है वहाँ पर हम कैंपेन्स ऑन नहीं करेंगे। जब हमारे पास रिव्यूज हो जाएंगे उस वक्त हम पीपीसी ऑन करेंगे और वो भी हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, मैनुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो क्या ये कंपलसरी हो गया है कि सबने जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करना है इसको? सॉफ्टवेयर के थ्रू इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स वेलोसिटी बूस्ट कर रही है, ना सिर्फ पीपीसी के सेल्स अच्छी आ रही हैं बल्कि ऑर्गेनिक सेल्स भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन इस तरह के कोई स्टूडेंट ज़्यादा है कि नहीं मैं मैनुअली ही इसको मैनेज कर सकता हूँ और मुझे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट नहीं करना, तो फिर कर सकते हैं उससे बात। तो मुझे ये बताइए काइंडली, इनेबल क्या वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है? नहीं, एक्चुअली ये एआई सिस्टम है जो के पीसी ने टीम के साथ प्रॉपर कोलैबोरेट करके इस पर काम किया, इन हाउस सॉफ्टवेयर है। अच्छा, बेसिकली आउटसाइड इन द ओपन मार्केट अवेलेबल नहीं है, ये खुद किसी ने बनाया है? नहीं, इसी ने एक टीम है उनके साथ मिलकर ये कोलैबोरेशन के साथ बनाया, लेकिन ये ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। जी मैम, मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर लिमिट पे गाइड कीजिएगा कि अभी रिसेंटली जो है
को आपकी तरफ से मुझे फीडबैक आया था कि जो है वो कैरेक्टर लिमिट जो है वो मुझे उसमें आपने ना थोड़ा सा करेक्ट करने को कहा था. तो अब ऐसा है कि जो है अगर हम कंपेटिटर को देखते हैं तो कंपेटिटर हमारी सेम जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं तो वो उसमें कंपेटिटर तो उनका तो टाइटल भी एक्सीड कर रहा है, उनका बुलेट्स भी एक्सीड कर रहे हैं. तो इन दैट केस कि जब हमारे सारे ऊपर के टॉप 2-3 सेलर्स अगर एक्सीड कर रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम एक्सीडिंग द कैरेक्टर लिमिट. नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि अभी आप देखेंगे कोई प्रोजेक्ट कुछ प्रोजेक्ट ऐसी है जिसके मटेरियल जब डिस्कस हो रहा होता है ना तो उसके मटेरियल में ये मेंशन किया जाता है नॉन टॉक्सिक, एक आम टर्म है ये नॉन टॉक्सिक मटेरियल. तो जबकि अब जब हम लिस्टिंग राइटिंग में ये वर्ड यूज करते हैं तो अमेजोन इस वर्ड को यूज करने पर हमारी लिस्टिंग ब्लॉक कर देता है. फिर हमें इन वर्ड को इस तरह से है एंटीबैक्टीरियल फंगल इस तरह के वर्ड्स है पहले हम यूज किया करते थे. और अभी भी अगर मैं ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही हूँ जिसकी जिसमें ये कीवर्ड ये वर्ड जिनसे सेलर्स यूज़ कर रहे हैं और मैंने जब यूज़ किया तो अमेज़ॉन ने मेरी लिस्टिंग को ब्लॉक कर दिया कि आप इस ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप नहीं मतलब वो सस्पिशियस हो गया मेरी प्रोडक्ट को लेकर और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया. फिर मैंने ये वर्ड रिमूव किया तो वापस मैंने लिस्टिंग रीन चेक करवाई है. तो अब जो है वो जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो अब से नहीं सेल कर रहे हैं ना, वो जब सेल कर रहे थे तब अमेजोन की गाइडलाइंस कुछ और होंगी. हमने वो गाइडलाइंस फॉलो करनी है जो अमेजोन अब बता रहा है. हमने उन चीज़ों की केयर करनी है जिन पर अब हमें लिस्ट में हम जा सकते हैं. अच्छा मैम जी मुझे एक जैसे कीवर्ड है कि स्पोर्ट्स वाटर बॉटल और एक कीवर्ड है स्पोर्ट्स वाटर बॉटल प्लास्टिक. तो अब अगर मैं इन दोनों कीवर्ड्स में से सिर्फ एक कीवर्ड ऐसा ले लूं कि जिसमें एक और कीवर्ड आ रहा है तो फिर वो क्या ये कीवर्ड दो कीवर्ड को कॉम्पेंसेट कर लेगा? Exactly, ऐसे होगा बिल्कुल. और एक और बात मुझे यूं पूछनी थी कि अब जैसे अभी लास्ट आपके पास से मुझे यूं भी फीडबैक आया था कि वो काफी रिपीटिंग कीवर्ड्स है. अब उसमें थोड़ा सा ना मुझे यूं आ रहा था कि मार्केट जो है वो यूएस था और वो ना मतलब बहुत ही बड़े हाई सर्च वॉल्यूम थे. 15,000 आ रहा था, 18,000 आ रहा था, 16,000 H10 का था. अब मसला ये है कि उसमें थोड़ा सा यूं आ रहा था कि अब जैसे यूं है स्पोर्ट्स वाटर बॉटल प्लास्टिक, स्पोर्ट्स वाटर बॉटल फिटनेस. अब वो एक जो ये वर्ड है स्पोर्ट्स वाटर बॉटल अब कुछ जगह हमारी बड़ी लिमिटेशन है क्योंकि रीड करने में ना अच्छा नहीं लगता ना कि बार बार बार. अब हम इन दैट केस हम क्या करें अगर एक ही कीवर्ड उसके आगे पीछे एक दो वर्ड ऐड हो रहे हैं ज्यादातर लॉन्ग टेल है और एक कीवर्ड है जो रिपीट हो रहा है. नहीं तो फिर आप ऐसा करेंगे कि उनको आप सर्च टर्म्स में डाल दें, बैक एंड पे डाल दें लेकिन फ्रंट एंड को कीवर्ड से नहीं भरें. अच्छा नो मैटर कि उनका कीवर्ड H10 पे अगर 15,000 हो रहा है 16,000 हो रहा है. नहीं अब ऐसा तो नहीं है कि 20 कीवर्ड आ रहे हैं और 20 के 20 का सर्च वॉल्यूम जो है वो 15,000 से ऊपर है तो फिर हमें. और अगर है 20 स्टिल अगर है 20 वो भी हम इस तरह से कीवर्ड्स नहीं डालेंगे क्योंकि कीवर्ड सर्फिंग को हम बार बार स्पोर्ट्स वाटर बॉटल ये हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे. ये रीडेबल ही नहीं है मतलब पढ़ने में भी अच्छा नहीं है और ये पता चलेगा कि ये हमने स्टफिंग की दिया तो नो मैटर. अगर उसका सर्च वॉल्यूम जो सुपर हाई उनसे जो हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है ना 10 कीवर्ड आ गए हैं आपके पास 10,000 से ऊपर वाले सर्च वॉल्यूम के उनमें से भी आप 5 या 7 जो कन्वीनियंटली डाल सकती हैं सेंटेंस की नीड के अकॉर्डिंगली सिर्फ उनको डालें. जो लेफ्ट ओवर कीवर्ड्स हैं उनको बैक एंड सर्च टर्म में डाल दें, फ्रंट एंड पे आप नहीं डालें. अच्छा और मैंने जो है ना एक और एक दो जगह यूं सुना है कि जब हम A+ कंटेंट में जो कंटेंट डालते हैं तो उसमें जो अगर हम कीवर्ड्स यूज करें तो वो इंडेक्स नहीं होते. सो इज दैट सो? लेकिन अगर इनकी जगह ऑन कॉन्ट्रेरी इफ अगर हम डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो हम डालते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं कीवर्ड. एग्जैक्टली ऐसा ही है, ईबीसी के कीवर्ड्स इंडेक्स नहीं होते, डिस्क्रिप्शन के इंडेक्स होते हैं. इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ईबीसी पे काम कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन को कुछ लोग स्किप ही कर देते हैं. आप स्किप ना करें, 500 करेक्टर लिमिट में चाहे उसको बना लें लेकिन आप थोड़ा बहुत उसको बना लें. हाँ लेकिन अगर कीवर्ड्स बहुत कम है और आप ऑलरेडी उनको यूज कर चुके हैं और आपको ऐसा कोई जरूरत रही नहीं है डिस्क्रिप्शन की तब आप उसे स्किप कर सकते हैं. ओके ओके ऑलराइट. अच्छा मैम एक और मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे क्लाइंट्स वगैरह होते हैं बहुत से दफा तो वो ऐसा प्रोडक्ट लेके आते हैं कि जिनके पास ना रिव्यूज बहुत हाई होते हैं तो इन दैट केस मैंने यूँ सोचा कि इज इट मतलब कि ये वो है प्रेफरेबल कि अगर हमारे पास एक ऐसा कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत आए है और मैंने JS चेक किया उसके रिव्यूज भी बहुत आए हैं इसके बनिस्बत एक कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम थोड़ा मीडियम है कम है लेकिन उसके रिव्यूज कंपैरेटिवली कंपेटिटर्स के कम है
तो अगर मैं ऐसा कीवर्ड टारगेट करूँ कि जिसके रिव्यूज कम है और मीडियम सर्च वॉल्यूम है इन पीपीसी, तो ये मेरे लिए किसी तरह की बेनिफिशियल रहेगा? बिल्कुल रहेगा। देखिए इससे क्या होगा कि आप उन सब कीवर्ड्स को उठा लें जिन पे आपका सर्च वॉल्यूम थोड़ा कम है लेकिन उन पे रैंक होना इजी है। इससे क्या होगा अगर तीन कीवर्ड्स भी आपने उठाया, तीनों पर सर्च वॉल्यूम 1000 भी है तो वो मिलकर 3000 तो हो गए ना। अगर आपने सेवन कीवर्ड ऐसे उठा लिया है तो समप करके अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम बन गया आपके पास। तो बिल्कुल आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को या उन कीवर्ड्स को जिन पे सेलर्स जो है उतना कम्पीट नहीं कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड कि आप उसको टारगेट करें। जी जी ओके थैंक यू मैम, बस मेरे यही क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, मुझे 3 weeks हो गए मैंने स्टेडियम में लॉन्च किया है। मैं क्या कहते हैं बाकी सारी कीवर्ड्स के लिए टॉप पे रैंक हो गया हूँ मगर मेरी पीपीसी काम नहीं कर रही। मुझे मतलब 4 orders आए हैं, इम्प्रेशन भी ज़्यादा नहीं आ रहे ऑटो में, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके मैनुअल में किया है तो उस पर मुझे खाली 4 orders आए हैं अभी तक, मगर उसमें भी खाली एक कीवर्ड के लिए इम्प्रेशन आए हैं, बाकियों के लिए नहीं आ रहे। अच्छा आप मुझे बताएं कि अभी 3 weeks हुए हैं आप इसके साथ रैंक, आपको ऑर्गेनिक रैंक के लिए आप क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनिक रैंक के लिए मैंने VVRO करवाया और क्या कहते हैं बस इसी तरह ही क्या कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग और वायरल। जी जी और एक पोस्ट की वो वायरल हो गई। अच्छा अब आप काम करें ऑटो कैंपेन जब आपने ऑन की है उस पर आपको रिजल्ट बिल्कुल ही नहीं आए हैं, कितना नहीं मैडम कुछ भी नहीं आया रिजल्ट। उसमें सजेस्टेड बिड आ रही थी 0.7 तो मैंने 0.5 कर दिया, तो उसके बाद फिर कोई इंप्रेशंस बहुत कम आए, फॉर एग्जांपल 30-40 आए होंगे उसमें। आप एक काम करें ऑटो कैंपेन को रहने दें, ऑटो कैंपेन आप ऑफ कर दें और आप मैनुअल कैंपेन में अपने रेलेवेंट कीवर्ड डालें, मैच टाइप एग्जैक्ट रखें। अगर अभी उसमें आपको सेल्स नहीं आ रही है तो आप विदिन स्ट्रेटजी चेक करें, आई थिंक वो डाउन होंगी होगी, आप उसको अप एंड डाउन करें, अप एंड डाउन में करने अप एंड डाउन करने के बाद ये बेटर होगी। अच्छा मैम, मैंने एक गलती भी की है जो मैनुअल कैंपेन है उसके अंदर मैंने, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मुझे मेरे पास टूल्स ही हैं तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि कौन सा सर्च वॉल्यूम, क्योंकि ईग्रो इतना काम नहीं करता। आई जस्ट चेक के मर्चेंट वर्ड्स थोड़ा बहुत बता रहा है विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि उसने काफ़ी अच्छा बता दिया है, उसमें मेरा ब्रांड नेम भी आ गया सबसे आखिर में, तो इसका मतलब वो सही बता रहा है। तो अब मैंने मेरा क्वेश्चन ये था कि अब मैंने उसमें ना मैनुअल कैंपेन के अंदर मैंने 72 कीवर्ड्स डाल दिए 20 बजट के साथ, तो उनको मैं बारी बारी कीवर्ड को हर कैंपेन में डालूं? नहीं 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 देखें बिल्कुल ये बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं। प्लीज़ कभी भी एक कैंपेन में आपके पास कितने भी अच्छे कीवर्ड्स हों लेकिन एक कैंपेन में 10 से ज़्यादा कीवर्ड नहीं रखें। देखिए जब आप 10 कीवर्ड आपने 10 कीवर्ड रख दिए हैं ना, एक तो आपके लिए इजी होगा ये देखना कि आप 72 कीवर्ड में तो आई एम श्योर बहुत सारे कीवर्ड रिपीट भी हो रहे होंगे, मतलब समहाउ सब कीवर्ड आ रहे होंगे लॉन्ग टेल होंगे। मैम उस पर को सिंपलीफाई करें ना, अपने कैंपेन्स को सिंपल करें। अभी आप इस कैंपेन में ऐसा करें जिस कीवर्ड पे सेल आ रही है उसको इसमें रहने दें, इसके अलावा जो आपके इम्पोर्टेंट कीवर्ड है उसको इसमें रहने दें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप सेपरेट कैंपेन में कर दें विद एग्जैक्ट मैच टाइप कर दें, और बहुत सारे ऐसे कीवर्ड जो आपको लग रहे हैं कि समहाउ आप दूसरे बड़े कीवर्ड्स के अंडर आ रहे हैं, मतलब सब कीवर्ड हैं, आप उनको ऑफ कर दें। ग्रेजुअली आप उन बाकी सब कीवर्ड्स को भी आहिस्ता आहिस्ता टाइम दे सकते हैं सेपरेट कैंपेन, लेकिन एक ही कैंपेन में इतने सारे कीवर्ड्स पे काम नहीं करें। उसकी रीज़न ये भी है कि जब आपको 72 कीवर्ड्स में से 10 कीवर्ड्स सेल करने लग जाएंगे ना तो आपका सारा बजट तो वही $10 ही वो 10 कीवर्ड्स ही कंज्यूम कर जाएंगे, बाकी सब कीवर्ड्स पे इतने खास इंप्रेशंस भी नहीं आएंगे बल्कि इंप्रेशंस होंगे ही नहीं आप। तो इसलिए आप सिंपलीफाई करें अपनी कैंपेन को और कीवर्ड्स को स्प्लिट कर दें डिफरेंट कैंपेन। अच्छा मैं पर डे मेरा बजट $100 जा सकता है, तो मैं ये कर लूँ जिस कीवर्ड से मुझे ज़्यादा आ रही है, फॉर एग्जांपल 4 सेल्स आई हैं उसको मैं $100 कर दूँ और उसकी बिड इंक्रीज कर दूँ? फॉर एग्जाम्पल वो सजेस्टेड बता रहा था 0.1.2 सॉरी तो 1.5 कर दूँ उसको मैं और $100 के साथ। अच्छा देखिए अगर वो आपको 1.20 बता रहा है 1.50 कर देंगे, हो सकता है इस पर आपके इंप्रेशन बड़े अच्छे आने लगे, कन्वर्जन भी हो जाए, ये भी हो सकता है आप $2 भी कर लें फिर भी आपको सेल ना आए। लेकिन अब आप क्या देखेंगे आपने उन्हें ऐड कर दी और आपको उन पर सेल आ रही है और कॉस्ट भी बेटर है,
अब ये डिपेंड करता है ROS और कॉस्ट पे. अगर आपके ROS रिटर्न आपको उस पर अच्छे आ रहे हैं, डेफिनेटली आप उस पर अपने बिट को इंक्रीज कर सकते हैं. मैं यहाँ रिकमेंड करूंगी कि जिस कीवर्ड पे आपको 4 ऑर्डर्स आए हैं उस कीवर्ड को आप कॉपी करें, सर्च टर्म्स में जाए, वहां पर पेस्ट करके देखें कि एग्जैक्टली इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सेल लाए हैं. या तो वो सिर्फ वही कीवर्ड 4 ऑर्डर ले आया है, या ये भी हो सकता है कि वो कीवर्ड 1 सेल लाया है, बाकी 3 सेल जो है डिफरेंट फ्रेजेस में आई है जो कि उस फ्रेज उस कीवर्ड से निकल गई थी. ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो में फिर आप क्या करेंगे उन कीवर्ड्स को जिन पर सेल आई है, अब वो 3 है या 2 है या शायद एक ही कीवर्ड है जिसमें 4 ऑर्डर आ गए हैं, उस कीवर्ड को वहां से उठाएं और एक सेपरेट कैंपेन में ऑन करें. फिर $100 बजट लगाने की जरूरत नहीं है एक कीवर्ड पर. आप नेक्स्ट मंथ उस पर $10 उसे ऑन करके देखें, $10 आप उसे रखें, $20 कर लें, $20 कर लें, 1.50 उसकी आप बिड करें. बिड इंक्रीज करने से ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में जाके परसेंटेज 100% कर देंगे, 50% कर दें. बिड आप कर लें $1, टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में जाके आप परसेंटेज कर दें 100%. इससे क्या होगा, अब आप अमेजोन को कह रहे हैं कि जब मेरा ये कीवर्ड अमेजोन के फर्स्ट पेज पे टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होगा तो मैं अप टू 100% मतलब मैं $2 बिड जो स्पेंड करने पर रेडी हूँ. अब एक्चुअली तो आप सर मैं आपकी आवाज कट गई है. हेलो जी मैम, अब आपकी आवाज आ रही है. जी आप विलिंग को तब भी देना कि अगर 1.50 से मैं बिड अपनी $2 पे ले मतलब इंक्रीज कर लेता हूँ, तो आप इस तरह इंक्रीज करने के बजाय 1.50 से $1 कर लें और बजट आप एलोकेट कर दें सिर्फ इस एक कीवर्ड को और टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में जाके परसेंटेज 100% कर दें. अब अमेजोन आपकी बिड $2 चार्ज करेगा, लेकिन कब चार्ज करेगा, जब आपकी विजिबिलिटी अमेजोन के फर्स्ट पेज के टॉप स्पॉट पे होगी. परफेक्ट, थैंक यू मैम. सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैं कंपेटिटर का जो एसएन है, मुझे अभी पता चला है कि जो मेरा जो मेन कीवर्ड है उससे बड़ा कीवर्ड के कहते हैं मेरा जो कंपेटिटर उसका ब्रांड का नाम है, तो मैं उसको ब्रांड के नाम को मैं टारगेट कर सकता हूँ पीपीसी में और उसके एसएन को? नहीं, ब्रांड नेम टारगेट नहीं कर सकते हैं, ये अमेज़न के अगेंस्ट है. एसएन भी नहीं टारगेट कर सकता कंपेटिटर का? एसएम कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एसएम सोच समझ के टारगेट कीजिएगा, क्योंकि अगर वो डोमिनेंट सेलर है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि उसके ट्रैफिक तो आप अपनी लिस्टिंग पर लैंड करवा लेंगे, लेकिन कन्वर्जन होगी या नहीं होगी ये भी बहुत बड़ा चांस हो जाएगा. मैं बेस्ट सेलर हूं, मतलब कि जो सबसे बड़ी कैटेगरी होती है उसके अंदर मैं टॉप 70 में. अगर अगर आप इस तरह से हैं और वो डोमिनेंट सेलर नहीं है तो डेफिनेटली आप उसे कर सकते हैं. अच्छा ठीक है, और मैं ये सर्च टर्म में भी ना डालूं उनका कंपेटिटर का नाम? बिल्कुल नहीं, ब्रांड नेम आप उसमें भी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो कंपेटिटर का नाम है सेल्फ उसका सर्च वॉल्यूम बड़ा अच्छा है, तो उसका एक वे ये होता है कि आप उसमें कुछ VVROs करवा दें, क्योंकि वो VVROs जो होंगे वो आपको हेल्प करेंगे उस कीवर्ड पर भी रैंक हो जाने में. मैं कैसे करवाऊँ इसको, क्या कहते हैं VVRO, फॉर एग्जांपल एसएन पे स्पॉन्सर करूँ उनको के उस पे जाएं और फिर टारगेट नहीं कर सकते, आप उसको बैकेट में भी नहीं डाल सकते हैं, आप उसको पीपीसी में भी नहीं डाल सकते हैं. उस पर रैंक होने के लिए आप उसको VVROs लेंगे. अब जो VVROs लेंगे तो आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं कि ये कीवर्ड टाइप करो जाके बाय कर दो. ठीक है, मगर उससे मैम शो ही नहीं हो रहा कीवर्ड पे. अच्छा ठीक है, मतलब उस जो वो कीवर्ड डालते हैं तो आपकी लिस्टिंग कहीं पे भी नहीं आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही. बस फिर तो आप इसको टारगेट पे बहरहाल नहीं कर सकते, जब कहीं नजर आने लग जाएंगे उसके अगेंस्ट फिर आप उसको कर सकते हैं टारगेट, फिर आप VVROs के थ्रू उस पे रैंक हो सकते हैं उस कीवर्ड पे. लेकिन उसको ऐड कर लेना जो है वो नहीं है, उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो आप ऐड ना करें. मैं ये कर सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो उनका ब्रांड नेम तो टारगेट नहीं कर सकता हूँ कि एसएन टारगेट करके और फिर मैं अगर शो ऑन स्टार्ट हो गया उस पे तो उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. बिल्कुल, एसएन आप टारगेट कर सकते हैं, आप कह रहे हैं का बेस्ट सेलर भी है और आप मतलब अगर वहां से ट्रैफिक आती है आपके लिस्टिंग पे उसके प्रोडक्ट के नीचे आपकी एड शो होती है, आपको पता है कि मैं अगर यहां से ट्रैफिक मेरे पास आएगा तो चांसेस नहीं कन्वर्जन, मतलब डेफिनेटली उसको टारगेट कर सकते हैं. मैं उनका जो कंपेटिटर का जो प्रोडक्ट है एक प्रोडक्ट है उसमें मैं फ्रीक्वेंटली बॉट में भी आ रहा हूँ और व्यूड में भी आ रहा हूँ, मगर वो स्पेसिफिक ब्रांड नेम सर्च करते हैं फिर मैं कहीं नजर नहीं आता लिस्टिंग पे. तो बस आप
इस तरह से जारी रखिए, उसके टारगेटिंग कर लें कि उसके नीचे आपके स्पॉन्सर होगी, कन्वर्जन आपकी बेटर होगी, तो होपफुली भी किसी टाइम पे आके आप उसके ब्रांड नेम के अगेंस्ट भी आप स्पॉन्सर होने लगे, मतलब आप विजिबल हो जाएं, लेकिन अभी के लिए तो यही है जो आप कर सकते हैं। थैंक यू मैम। लास्ट क्वेश्चन ये कि आपने बताया था कि ब्लैक एंड व्हाइट कीवर्ड्स होते हैं, की टर्म्स होती हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मेरा भी प्रोडक्ट इसी तरह ही है, फॉर एग्जांपल ब्लैक पेन है और व्हाइट पेन है, मैं व्हाइट पेन पे तो हो गया हूँ मगर जो ब्लैक पेन है वो मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मगर पेन पे भी मैं हो गया हूँ जो कीवर्ड है, तो मैं अब जो ब्लैक पेन है वो लिस्टिंग में किस तरह यूज करूँगी क्योंकि वो डायरेक्टली रेलिवेंट नहीं है। ब्लैक पेन तो लिस्टिंग में यूज ना करेंगे, वो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन अगर आपका कंपेटिटर भी सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेम कलर सेल कर रहा है और वो रैंक है उस पर, अब आपको भी पता है कि इस कीवर्ड के थ्रू सेल आ रही है। अब देखिए एक चीज ये है कि आपका वाइट पेन है और ब्लैक कलर पे आप, ब्लैक कलर इरेलेवेंट है, तो ब्लैक पेन आप अमेजोन पे डाल के देखें कि ब्लैक पेन की लिस्टिंग ज्यादा आ रही है या ब्लैक और वाइट का मिक्सचर आ रही है या वाइट बहुत कम आ रही है, तो अगर तो आप देख रहे हैं कि 70% लिस्टिंग ब्लैक की आ रही है, 30% जो है वो वाइट की आ रही है, या आप ये देखें कि 60-40% है, तो फिर आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने पीपीसी में, लेकिन फ्रंट एंड पे अगर आप ऐड करना चाहें तो उसका एक भी कोई फायदा नहीं है। आप फ्रंट एंड पे इस तरह के कीवर्ड को उस वक्त यूज कर सकते हैं जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मेरी प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील स्पैचुला ना, और वुडन स्पैचुला का बड़ा अच्छा सर्च वॉल्यूम है, तो मैं तो चाहती हूँ कि वुडन स्पैचुला में इंडेक्स करूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ कि अनलाइक वुडन स्पैचुला, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला इज आप ये कह लें कि ऑर्डरलेस, ठीक है कि या आप ये कह लें कि इसकी जो आप यू कंपेरिजन कर सकते वुडन स्पैचुला के अनलाइक वुडन स्पैचुला या अनलाइक बैम्बू स्पैचुला, दिस मेटल स्पैचुला आर ड्यूरेबल या डिश वॉशर सेफ, इस तरह से आप फिर उस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं जो कि इरेलेवेंट है। अदरवाइज ऐसे रिकमेंडेड यही होता है कि आप इरेलेवेंट कीवर्ड्स को कंटेंट में अपने डालें ही, अगर उस पर रैंक होना भी है तो आप पीपीसी के थ्रू हो जाए, और सर्च टर्म में डालूं मैं तो इरेलेवेंट, बिल्कुल बैकएंड पे डाल, बैकएंड पे डाल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लेकिन इरेलेवेंट देखिए, इरेलेवेंट भी ध्यान रखिए कि वो इरेलेवेंट कीवर्ड समहाउ ब्लैक और वाइट ही है, तो आप कह रहे हैं कि जब वाइट, मेरी प्रोडक्ट वाइट है और जब मैं ब्लैक कीवर्ड लोग देखते हैं तो वाइट भी बाय कर रहे हैं, तो लेकिन अगर आपका, जब आपको पता है कि वाइट आपको सेल नहीं दे रहा या आप वाइट को ट्राई कर रहे हैं बैकएंड पे किसी भी, अगर आप चला के देखते हैं तो आपको कन्वर्जन नहीं देता, तो ये आपको फिर ऑफ करना होगा आपके केस में, क्योंकि कलर का डिफरेंस आ रहा है और ब्लैक और वाइट दोनों को हम टारगेट कर रहे हैं तो सेल दोनों पे आ रही है, तो इस केस में हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप इरेलेवेंट कीवर्ड्स को टारगेट करें। ठीक है मैम, सॉरी मैं बहुत टाइम ले लिया, मैंने पूछना था कि ऑस्ट्रेलिया में कोई और टूल है जिसके थ्रू मैं सर्च वॉल्यूम चेक कर सकता हूँ, लिस्ट ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, हीलियम तो चलता नहीं है ना, जेएसपी भी नहीं चलता। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। उसने रिसेंटली अभी लॉन्च किया है 1 month back, और जो है ना उसने ऑटोमेटेड पीस जो ऑटो चलाई हुई थी
तो उसके ऊपर जो डेली बजट है वो $10 का है, उसके ऊपर जो है और साथ में उसने मैनुअल चलाई थी। मैनुअल में जो है वो कुछ हाई रेलिवेंसी जो टॉप 10 कीवर्ड्स थे उनके ऊपर जो है वो चला रहा था, और लेकिन उसके ऊपर बजट बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन उस पर सेल नहीं आ रही जो मैनुअल जो चल रही है ना, लेकिन ऑटो के ऊपर जो है वो कन्वर्जन अच्छी आ रही है। तो मेरा क्वेश्चन ये था क्या हम मैनुअल को मैं ऑफ कर दूँ और उसके ऑटोमेटेड को ही बिडिंग थोड़ी बेटर कर दूँ, इसमें रिजल्ट आ रहा है मैनुअल में नहीं आ रही। आप ऐसा करेंगे कि मैनुअल कैंपेन में जो कस्टमर सर्च टर्म रिपोर्ट सबसे पहले देखें, ठीक है, वहाँ पे जिन कीवर्ड्स पे सेल आई हुई है सिर्फ उन कीवर्ड्स को निकालें, एक नए कैंपेन में ले जाकर वहाँ पे टारगेट करें और मैनुअल कैंपेन को ऑफ कर दें और सिर्फ ऑटो पे करें। ऑटो कैंपेन को भी लेकिन कंटिन्यूसली ऑप्टोमाइज करते रहें, सर्च टर्म में जाकर नेगेटिव कीवर्ड्स निकालते रहें, ऐसे कीवर्ड्स जिन पर आपको कॉस्ट पड़ रही है लेकिन सेल नहीं हो रही है। अच्छा एक प्लीज एक टिप पे ये है कि आप जब फॉर्मूला ये है कि जब आप नेगेटिव टारगेट निकालने जाए ना ऑटो कैंपेन से, तो आप ये देखते हैं कि एक कीवर्ड है इस पर लास्ट 4 डेज में $10 मेरे जो है मुझे कॉस्ट आ गई है लेकिन एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो हम 4 डेज से उस कीवर्ड को उठाते हैं नेगेटिव में डाल दें। इस तरह से नहीं करना, इस तरह से हमें नहीं करना, क्योंकि देखिए अभी उस पर क्लिक्स कितने आए हैं, उस पर 4 तो क्लिक्स आए हैं। अभी उसको एक किसी कीवर्ड को नेगेटिव में डालने का क्राइटेरिया ये है, एक जनरल क्राइटेरिया ये है कि आप उस पर 20 to 25 क्लिक्स आने का वेट करें, 20-25 क्लिक्स के बाद भी अगर उस पर सेल नहीं आई है तब आप उसको नेगेटिव में डाल दें। नेगेटिव में डालते हुए किसी चीज़ का ध्यान रखिए कि वो नेगेटिव एग्जैक्ट मैच टाइप होना चाहिए। प्लस ये अब ये नेगेटिव कीवर्ड दो तरह के हैं, एक कीवर्ड वो जो आपका आपको लग रहा है कि ये सेमी रेलिवेंट है या रेलिवेंट है लेकिन इस पर सेल नहीं आ रही है, तब तो आप 20-25 क्लिक्स का वेट करेंगे नेगेटिव में डालने से पहले। लेकिन ये कीवर्ड जो मुझे सामने नजर आ रहा है ये है ही नेगेटिव, ठीक है, मैं तो बेच रही हूँ केबल केबल के जो केबल कॉर्ड है ना केबल वायर में सेल कर रही हूँ, लेकिन वहाँ पर जो बायर मांग रहा है वो मांग रहा है हेडसेट की वायर। अब वो हेडसेट की वायर तो नहीं मैं सेल कर रही हूँ, वो तो मुझे सामने नजर आ रहा है कि ये तो इरेलेवेंट कीवर्ड है, उसको मैं 2 क्लिक्स के बाद भी $10 कॉस्ट है तो मुझे नेगेटिव में डाल सकती हूँ। लेकिन अगर सेमी रेलेवेंट कीवर्ड है तो आप उस पर एटलीस्ट ये क्योंकि आपने ऑटो कैंपेन कॉम्प्रोमाइज करना है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऑटो कैंपेन में किसी कीवर्ड को नेगेटिव में डालने से पहले इतना वेट कर लें कि उस पर इनफ क्लिक्स आ जाए। राइट अच्छा उसमें ये हो रहा है कि आउट ऑफ बजट चले जाती है, लाइक $10 रखा हुआ उसमें बजट, और लेकिन क्योंकि उसके जो प्लेसमेंट है ना वो टॉप ऑफ द सर्च जो है वो पहले तो 100 थी और उसको मैंने 150 कर दिया और जो प्रोडक्ट पेज था उसको मैंने 200 कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर जो थी कन्वर्जन ज़्यादा बेटर थी, तो पहले वो 100 थी लग मैंने उसको 200 कर दिया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इंप्रेशन भी आ रहे हैं क्लिक्स भी हैं लेकिन आउट ऑफ बजट चले जाती है, तो मुझे बताएं कि ये कौन सी कैंपेन है, ऑटो या मैनुअल? की बात कर प्लस ये कि जब वो ऑटो बजट जाती है ना, तो ऑटो बजट जाने से पहले देखें अगर तो आपको 40-46 सेल्स कॉज आ रहे हैं लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, तब तो आप जाने दें कि चले सेल्स मेरी बढ़ रही है ना, और फिर आप स्लाइटली काम कर सकते हैं कॉज को कम करने पे। लेकिन अगर आपको डेली की सेल्स भी इतनी कम आ रही है, कॉज भी 40-46% आ रहा है, तब आपने वो जो प्लेसमेंट में और प्रोडक्ट वेजिस पे इतना ज़्यादा परसेंटेज लगाया हुआ ना उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो कैंपेन में ब्रॉड टारगेटिंग हो रही होती है ना, इरेलेवेंट कीवर्ड्स भी टारगेट हो रहे होते हैं, तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम अपनी विजिबिलिटी देखिए मुझे इरेलीवेंट कीवर्ड के अगेंस्ट टॉप स्पॉट पे स्पॉन्सर होके क्या करना है, ठीक है, तो टॉप स्पॉट पे परसेंटेज आप तब लगाएं जब आप मैनुअल कैंपेन चला रहे हैं और एग्जैक्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स पे चला रहे हैं। ऑटो कैंपेन में टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट पे परसेंटेज हाई करना तो मैं तो कहूँगी कि आप ना करें इस तरह, क्योंकि आपको बहुत सारे कीवर्ड्स पे टॉप पे रैंक होने के लिए हाइब्रिड पे करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज ये है कि आपकी कैंपेन आउट ऑफ जब बजट होती है तो दो चीजें देखें, कैंपेन तो मेरी आउट ऑफ बजट चली गई है लेकिन मुझे सेल्स अच्छी आ रही है, कॉस्ट अंडर कंट्रोल है, तब आप अपना बजट इंक्रीज कर रहे हैं। बजट इंक्रीज करते वक्त इस चीज का ध्यान रखिए कि $20 से डायरेक्ट मुझे $50 पे नहीं जाना, हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज करें, $20 से $22 करें,
अगले घंटे फिर आउट ऑफ बजट चले गए या फिर $25 करने हैं, दो घंटे बाद फिर आउट ऑफ बजट चले गए या फिर $30 करने, 20 से 50 पे एकदम ना आए, इससे चलती हुई बीपीसी भी बड़ी खराब हो जाती है, सडन इंक्रीज ना करें, एक चीज ये। दूसरा ये कि ये भी जरूरी नहीं है कि आउट ऑफ बजट गई है तो आप बजट इंक्रीज कर लें, हमेशा बजट इंक्रीज करना सोल्यूशन नहीं होता है। अगर आपका कॉस्ट 60% चला गया, कैंपेन आउट ऑफ बजट चले गई है, तो यहाँ पर मुझे बजट नहीं इंक्रीज करना, यहाँ पर मुझे टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट और जो प्रोडक्ट पेजेस पे मैंने परसेंटेजेस लगाए हुई है मुझे उसे कम करना है, मुझे अपने बिल्डिंग को कम करना है, मुझे नेगेटिव कीमत को निकालना है, ठीक है। तो आप जब आउट ऑफ बजट हैं तो पहले अपनी सेल्स और कॉस्ट का कंपैरिजन कर लें, उसके बाद डिसाइड करें कि एक्चुअली यहाँ पे बजट इंक्रीज करने की जरूरत है या कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। ठीक हो गया। अच्छा मिस, कुछ कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर जो है वो ऑर्गेनिक जो रैंक कर गया है टॉप 10 के ऊपर है प्रोडक्ट, तो इज इट लाइक नीडेड कि हम उसी कीवर्ड को हिट करें उसमें मैनुअल पीपीसी में, या मतलब उसमें जरूरत है अगर वो टॉप 10 में ऑलरेडी वहां पे रैंक है? बिल्कुल है, बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है वैसे कि क्योंकि मेरा कीवर्ड टॉप पे रैंक हो गया हुआ है अब क्या मैं इस कीवर्ड का गणेश पीपीसी ऑफ कर दूं, तो ये ऐसा नहीं है। देखिए आपने इतनी हैवी पीपीसी चलाई है, इतने वीडियो आलोज किए हैं, इतनी ब्रीड किए सब किए, किस लिए किया? टॉप पे रैंक होने के लिए ना। जब टॉप पे आप रैंक हो गए हैं और पीछे से आप सब कुछ गिवअवेज वगैरह बहुत पहले बंद कर चुके होते हैं, अब जब आप रैंक हो गए ऑर्गेनिकली वहाँ पे और स्पॉन्सर्ड एड भी आके वहाँ पर शो हो रही है, और अब आप कहते हैं कि मैं पीपीसी को ऑफ कर दूँ, तो कुछ टाइम तक तो आप उस पोजिशन पर रहेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उस पर ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो एक पोजीशन पे पहुंचने के बाद वहां पर सस्टेन करने के लिए पीपीसी बहुत सपोर्ट करती है, और ये बात तो है ही नहीं ना कि क्योंकि आप टॉप पे आ गए हैं और अब मैं पीपीसी बंद कर दूं क्योंकि बहुत कॉस्ट पड़ रही है, ऐसा नहीं है। जब आप रैंक हो गए हैं तब तो आपको कम बिड पे भी कन्वर्जन हो रही होती है, तब तो कम बिड पे भी आपके विजिबिलिटी अच्छी स्पॉट पे आ रही होती है, तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप उसके बिड रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन स्विच ऑफ नहीं करना, हमने टर्न ऑफ नहीं करना कीवर्ड को रैंक को जाने के बाद पीपीसी। ओके, इवन कि उसके इंप्रेशन आए ना आए, दैट डजंट मैटर, बस उस कीवर्ड को ऑफ नहीं करना हमने। ऑफ नहीं करना, देखिए आप ऑफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप टॉप 10 में आ चुके हैं, टॉप 10 में आ चुके हैं इसका मतलब आप विजिबल भी डेफिनेटली हो रहे हैं, तो इंप्रेशंस नहीं आएंगे ऐसा तो होगा ही, पॉसिबल ही नहीं है, डेफिनेटली आएंगे। ठीक ओके, सो अगर अभी जो अगर ऑटो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसके ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर लूं, और मैनुअल जो है उसमें फिलहाल जो है ऑफ कर दूं, और ऑफ नहीं, ऑफ ऑफ आप कर दें, ऑफ कर दें आप उसको, लेकिन उसमें से कन्वर्टिंग कीवर्ड निकाल लें पहले। ओके, अगर उन कन्वर्टिंग के ऊपर मैंने एक दो दिन चलाया था लेकिन वो बजट सारा क्योंकि उन पे बिट्स बहुत हाई हैं, तो वो ऑटो बजट चले जाती जितना क्लाइंट ने बजट दिया मुझे जो है वो, लेकिन उस पे कन्वर्जन नहीं हो रही तो ये प्रॉब्लम आता, फिर मैं ऑफ कर देता हूं उसको क्योंकि वो फिर सही है। ठीक है, अगर आपको उस पर नहीं कन्वर्जन होती है आप कर दें और राइट, क्योंकि डेली बजट जो है वो इवन के वो टॉप 10 के ऊपर भी जो है वो $40-$50 तक जाता है, लेकिन उस पर भी आउट ऑफ बजट जाती है, तो देन फिर जो है वो मैं, वो क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे इस पर नहीं करना, बट ये कि उसकी रैंकिंग जो है फिर वो मैं उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि रैंकिंग आपकी जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रैंक तो है आप उन टॉप पे 10 पे, बट मैं बिड्स लो वाली मैं स्ट्रेटजी की बात करता हूँ उनसे कि उसको ऑफ करने के बजाय बिड्स लो कर देते हैं। ठीक हो गया, चल थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जी अनुष भाभी, मुझे कंफर्म करना था कि मैंने अपनी जो है वो लिस्टिंग बना ली है, मेरी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह मेरे वेयर हाउस में आ जाएगी 29th of September को या 1st week of October में। तो अब मुझे जो लिस्टिंग मैंने बनाई है वो मैं क्या आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इसको, या मैं अलहदा से आपसे जो है वो लिस्टिंग बनवाऊँ अपनी प्रोडक्ट की जो है? नहीं देखिए, इससे जरूरत नहीं है कि आपको बनवानी पड़े, अगर आपने बनवाई है ना और यहाँ आपने खुद बना ली है तो मैं उससे रिव्यू करूंगी, जहाँ जहाँ चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे वो मैं आपको उस पर सजेस्ट कर दूंगी, गाइड कर दूंगी, आप चेंजेस कर लीजिएगा। आपको मैं फॉर्मेट बता देती हूँ, आपने वर्ड फाइल शेयर करनी है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट होगा कॉन्टेंट का, उसमें जहाँ जहाँ आपने कीवर्ड्स यूज किए हुए कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करना है ताकि मैं देख सकूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपने कीवर्ड कौन सा पुट किया हुआ है। प्लस आप मुझे अपने जो भी आपके टॉप 20 के टॉप 30 कीवर्ड्स हैं उनकी फाइल शेयर करेंगे जिसमें उनका सर्च वॉल्यूम साथ होगा, ताकि मैं देख सकूँ कि कौन सा कीवर्ड सबसे इम्पोर्टेंट था और आपने उसकी स्पॉट कंटेंट में कहाँ भेज दिया। अच्छा, ठीक है, एक चीज ये, दूसरा ये आपका लिस्टिंग का आ गया है फ्रंट एंड। इसके अलावा बैक एंड पे भी आपने इसको फिल करना है, बैक एंड के लिए आप इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे, अपने फील्ड्स को वहां पर भी फिल करेंगे। जब आप मुझे डॉक्यूमेंट देंगे तो मुझे वहां पे आपने अपने बैकएंड सिस्टम के कीवर्ड्स भी दिखाने हैं, अपने इंटेंडेड यूज के कीवर्ड्स भी दिखाने हैं, जो आप सब्जेक्ट मैटर में पुट कर रहे हैं मुझे वो भी दिखाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये मुझे आपके साथ इसको शेयर करना होगा, ये 333 ग्रुप पे मुझे आपके साथ शेयर करना होगा। जी जी, 333 में शेयर करना होगा, कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो, क्योंकि जब आपका स्टॉक वहां पहुंच जाएगा और आपने भी चेंजेस करनी होगी तो वो चेंजेस कब होंगे और अपलोड कब होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। और मुझे जो ये जो सॉफ्टवेयर के थ्रू मुझे पहले मैनेजर को चलाना होगा या मुझे वो जो एसईओ करनी होगी, पीपीसी करनी होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू? नहीं, पीपीसी अभी के लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जब तक 20 रिव्यूज नहीं हो जाएंगे हम पीपीसी और नहीं करेंगे। आफ्टर हैविंग 20 रिव्यूज हम आपको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे और फिर सिस्टम आपकी पीपीसी को ऑपरेट करेगा। अच्छा अच्छा, चले ठीक हो गया। मैं फिर आपको ये कीवर्ड्स की फाइल, इसका फॉर्मेट जो है वो अवेलेबल है अभी वीसी ग्रुप के अंदर, ये जो कीवर्ड की फाइल सेंड करनी है, सॉरी कीवर्ड्स की जो फाइल शेयर करनी है, जो आपके साथ फाइल शेयर करनी है, या मैं वैसे ही उसको कॉपी करके और पेस्ट करके आपको बता दूं, या कोई फॉर्मेट रिपोर्टिंग का कोई फॉर्मेट है अवेलेबल? नहीं, सिर्फ आपका सिर्फ फॉर्मेट ये है कि जो आपने मुझे वर्ड डॉक्यूमेंट देना है विद हाइलाइटेड कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स फाइल देनी है अपनी जो आपके टॉप के कीवर्ड्स है विद देयर सर्च वॉल्यूम और अपने कंपेटिटर का लिंक। और कंपेटिटर का लिंक, ठीक हो गया, ठीक हो गया, चलें मैं कर लूंगा। ठीक है, इमेजेस भी आप अपने इमेजेस भी आप मुझे दिखाएंगे अगर वो रेडी हो गए हैं तो। ठीक है जी, इमेजेस भी रेडी हो गए हैं, मैं आपको इमेजेस भी जो है वो साथ ही करवा दूंगा। और मुझे एनहांस ब्रांड कंटेंट जो है वो भी अभी सारे करवा लेना चाहिए इसको लॉन्चिंग से पहले, या लॉन्चिंग के बाद इसको मुझे करवा लेना चाहिए, आप क्या सजेस्ट करती हैं? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि जब लॉन्चिंग आनी है तो उस वक्त आप इतना बिजी हो जाना है कि आपको शायद टाइम नहीं मिलेगा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें करने का। तो अभी जब आपने फोटोग्राफर हायर किया हुआ है, उसने आपके इमेजेस के लिस्टिंग पे भी काम किया है, तो इसमें ये मतलब कन्वीनियंट है कि आप पीपीसी के इमेजेस पे भी काम करवा लें, पीपीसी भी रेडी करवा लें। जैसे ही आपको एक्सेस मिलेगा, आप ब्रांड रजिस्ट्री आपको हो जाएगा, तो उस वक्त आप अपना ईबीसी भी फिर अपलोड कर सकते हैं। तो आप लेटर ऑन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है तो अब कर लें अभी इस पर, अगर नहीं टाइम है तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एप्लीकेबल होंगे ईबीसी अपलोड करने के, तो फिर आपको इमीडिएटली इसको कर लेना चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक हो गया, मैं इसको जो है वो साथ कर लूँ। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी वही उसमें आएंगे जो कंटेंट मैंने लिस्टिंग के लिए करना है, या इसके लिए अलहदा से मुझे कंटेंट जो है वो फिर क्रिएट करवाना होगा ईबीसी के लिए? ईबीसी में हम शोकेस करते हैं हमारी प्रोडक्ट का फीचर, हमारा कंपनी, हमारा जो ब्रांड है इसके बारे में बताते हैं थोड़ा, और हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या हम इंस्ट्रक्शन मैनुअल एक्चुअली दिखा देते हैं, कुछ मॉडल होती है उनके असेंबलिंग का और ये सब,
चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं या वार्निंग होती है, ये सब हम ABC में दिखा देते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा इसका पार्ट जो है अपने ऑलरेडी लिखे हुए डिस्क्रिप्शन से ही ले सकते हैं, क्योंकि आप क्वालिटी बता रहे हैं ना, जब आप क्वालिटी बता रहे हैं तो आप वही पॉइंट यूज़ कर लें जो बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अगर कुछ पॉइंट्स वही यूज़ हो जाएंगे, कुछ आप एक्स्ट्रा लिखेंगे, तो आप सेम कॉन्टेंट को थोड़ा सा चेंज करके आप यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद उसमें चीज़ें ऐड करके खुद से काम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, और बस लास्ट क्वेश्चन है, जो बैक एंड के जो कीवर्ड्स हैं वो मुझे कहाँ से लेने होंगे, बैक एंड के जो कीवर्ड्स हैं उसमें? देखिए बैक एंड सर्च करने तो आप अपने कीवर्ड्स डालेंगे जो आपके इंजन से निकले हैं, आपके जो सुपर रेलेवेंट कीवर्ड हैं वो सब आप बैक एंड सर्च टर्म में डालेंगे। बाकी जो इंटेंडेड यूज के हैं, टारगेट ऑडियंस है, या ये जो सारी डिटेल्स हैं, ये आपको इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट पर मिलेगी। इन्वेंटरी चले ठीक हो गया, और इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट किस तरह से डाउनलोड करेंगे, किस तरह से फिल करेंगे, किस तरह से वापस अपलोड करेंगे, इससे पूरी वीडियो बना के मैंने BBC में डाली हुई, आप वहां पे देख सकते हैं। चले ठीक है, मैं ये देख लूंगा इन्वेंटरी कैटेगरी रिपोर्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम। वेलकम जी, वालेकुम सलाम। देखिए मैंने आपसे ये सवाल पूछना था कि हमने जो स्पॉन्सर्ड वीडियो एड्स होती है हमारी BBC पे, अगर हम किसी फ्रीलांसर को देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ये इशू आ सकता है कि वो कॉपीराइटेड म्यूजिक इस्तेमाल कर लें, अभी कोई फॉन्ट वगैरह हो जो कॉपीराइटेड, शायद उन्होंने परमिशन ना ली हो, कि वो फ्री फॉर कमर्शियल यूज़ नहीं होते लेकिन वो फ्री फॉर पर्सनल यूज़ होते हैं, तो उसमें अमेजोन हमें पीनलाइज या फिर कोई इस तरह कॉपीराइट के कोई इशूज़ आते हैं? आप वीडियो BBC की बात कर रहे हैं? वीडियो BBC और जनरली भी कोई हमने फॉन्ट वगैरह इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फॉन्ट होते हैं वो आप फ्री फॉर पर्सनल यूज़ तो होते हैं लेकिन वो कमर्शियल यूज़ के लिए आप बाय करने हो, लेकिन वो आपको पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा अब वो फ्रीलांसर वगैरह वो फिर पर्सनल यूज़ वाले भी कमर्शियल यूज़ में इस्तेमाल कर देते हैं। मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं तो कॉपीराइट के इशू आते हैं, फ्रीलांसर आपकी वीडियो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एज इन के कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो, क्योंकि जब आप डाउनलोड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा आता है कि इट इज फ्री फॉर पर्सनल यूज लेकिन कमर्शियल यूज के लिए यू हैव टू बाय आवर लाइसेंस या फिर आपको पैकेज वगैरह हमारा खरीद। आप बिल्कुल इस तरह का रिस्क ना ले फिर, अगर आपको ऐसा जो म्यूजिक है जो आपको बैकग्राउंड में डाल देने के जिस पर कोई राइट क्लेम कर सकते हैं तो आप उसको मत डालें। चलें ठीक हो गया। दूसरा मैंने आपसे पूछना था BBC रिपोर्टिंग पे मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, तो आप ये बता देंगे कि यूजफुल है और इसको अगर यूजफुल है तो करते कैसे? एग्जैक्टली यूजफुल तो है ये बहुत, इसमें देखिए डिपार्टमेंट जो है अब ये डिपेंड करती है, नीच टू नीच डिपेंड कर रही होती है, कुछ में आपके डिपार्टमेंट एक्चुअली होती क्या है ये आपके आपको पता है कि मेरी इतने बजे से सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मेरी बड़ी अच्छी से मेजर होती है, रात 8 से फिर सुबह 8 बजे तक मेरी सैलरी ड्रॉप होती है, और ये इसी दौरान आपने नोटिस किया, मैं किसी ने नोटिस किया कि मेरी जो सबसे ख़राब मेरे कॉस्ट मुझे बड़ी हाई पड़ती है ना, वो मुझे पड़ती है 6 to 8 AM इस दौरान पड़ती है, बाकी सारा दिन मेरा सही चल रहा होता है लेकिन 6 to 8 AM में मुझे कॉस्ट भी बहुत पड़ जाती है, नॉन को बजट भी चला जाता हूँ, तो अब यहाँ पर क्या, तो ये डे पार्किंग एक्चुअली इस तरह से है कि आप निकालते हैं ऑब्जर्व करके अपना कुछ आपकी जब कुछ डाटा आपके हिस्ट्री बन जाती है तो आप ऑब्जर्व करके वो निकालते हैं कि एक्चुअली मेरे लिए जो कन्वर्टिंग आवर्स हैं वो ये हैं, ठीक है, फिर आप उनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, आप उस दौरान के अपने PPC पे हाइब्रिड कर सकते हैं, उस दौरान आप अपनी कैंपेन को ऑटो बजट बिल्कुल ना जाने दें, अगर इवन मैंने ये देखा है कि एक दो इस तरह से स्नैरियो हुए हैं कि रात के वक्त कन्वर्जन स्टार्ट होती है और हर रोज रात को पहले दिन ही हम लॉन्च के PPC के कुछ जब हमारे उसके सेल्स लास्ट में जब कुछ बिल्ट हो गई थी तो रात में हमारी कैंपेन $20 का आउट ऑफ बजट चले गया, हमने उसे $25 किया तो वो 20 मिनट में आउट ऑफ बजट चले गया, हमने उसे 50 और वो करते करते 3 दिन में हम लोग $150 बजट पे आ चुके हुए थे $20 से ग्रेजुअली इंक्रीज करते करते, और ये इंक्रीज हम कर रहे थे हमेशा, ये रोज डेली रात को भी आउट ऑफ बजट जा रही होती थी लेकिन साथ कन्वर्जन दे रही होती थी, तो अब फिर हमें पता चल गया कि अच्छा नाइट टाइम में हमारी प्रोडक्ट सही सेल होती है और यही हमारे पीक आवर्स हैं, और उस दौरान फिर हम ध्यान रखते थे कि हमारी कैंपेन आउट ऑफ बजट ना जाए, तो बिल्कुल आप अपने कन्वर्टिंग आवर्स का बड़ा अच्छे तरीके से एजुका सकते हैं।
जी आप आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया आई थिंक आपका। अच्छा जी, और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैं फर्स्ट टाइम आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। मैं लेट एडमिशन हुआ है मेरा, तो मैं पहले आपका सेशन बीबीसी में तो देखा था, यहाँ पे नहीं देखा। एक्चुअली अभी मेरा पीएल का सफ़र बिल्कुल आगाज़ में ही है, मैं अभी न्यू हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास अभी जो मसला है वो मेरे क्लाइंट का है, तो उनकी मैंने बिल्कुल न्यू लिस्टिंग की थी, तो अभी जो है ना उनकी कुछ सही रिस्पांस नहीं कर रही पीपीसी ना। मैंने ऑटो पे चलाई थी, आपने जैसे बताया हुआ है, मेरा पहले से एक्सपीरियंस है एडवर्ड का, गूगल एडवर्ड का, तो वहाँ पे मुझे ऐसे इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने को मिली। यहाँ पे ये है कि हम प्रोडक्ट को, अभी हमारी ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई हुई, प्रोडक्ट को हम स्पॉन्सर करते हैं, तो शुरू में तो सेल्स वगैरह आई हैं वीकेंड्स पे, उसके अलावा हमें सही तरह से कुछ भी नहीं, मतलब वो हमारा जो बजट लगता है ना वो कंज्यूम सही तरह से नहीं हो रहा, आउट ऑफ बजट भी हम चले जाते हैं। आपने जैसे कहा था कि फर्स्ट पेज पे आने के लिए हमें जो है वहाँ पे अपनी जो परसेंटेज सेट करनी है, वो भी मैंने करके देखा था, उससे इनिशियली मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा था, लेकिन उस तरह से ऑर्डर्स आ नहीं रहे जिस तरह से पीपीसी पे आते हैं। तो बाकी सब लोग जो हैं हमारे कंपटीटर, उनको सही ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हमारा क्योंकि अभी ये पीएल नहीं है, एफपीएम मॉडल है, तो हम इस पे ज़्यादा बजट लगा भी नहीं सकते, मतलब हमने इस पे रैंकिंग पे काम नहीं किया, तो अभी मे बी हम मेरे क्लाइंट की पीएल भी होगी तो उस पे हमने अभी नेक्स्ट मंथ में और सेकेंड अपकमिंग टाइम में हमने करना है पीपीसी। तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मतलब अभी क्यों नहीं, मुझे ऑटोमेटिक पे तो जब हम प्रोडक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उस पर मैंने ऑप्टिमाइज़ भी किया हुआ है लिस्टिंग को, तो मुझे क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा, बिल्कुल भी नहीं रिजल्ट आ रहा। और अभी तो कुछ दिन से मेरा ऐड भी नहीं शो हो रहा था, मतलब मैं अपनी ब्रांड का जो भी हमारा स्टोर है उसका नाम टाइप करती हूँ तो वो ऐड शो होता है, अदरवाइज वो ऐड भी नहीं शो होता, हालांकि मैंने हर तरह से एक्सपेरिमेंट करके देखा है। आप जब भी कुछ स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे कुछ टाइम दें, फ्रिक्वेंटली जो है बार बार चेंजेस करना ये सही नहीं होता है, ठीक है। इससे आप एक बार जब कोई चीज़ चेंज करते हैं तो उसको एटलीस्ट 3 या 4 दिन दे दो, ताकि वो अपने विजिबिलिटी अपनी परफॉर्मेंस शो कर सके। दूसरा ये कि आप जो कह रही हैं कि मैनुअल कैंपेन चल रही है और उस पर कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो जब टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में भी आपने हाई परसेंटेज करके देख ली है, तो जब आप टॉप ऑफ सर्च प्लेसमेंट में हाई परसेंटेज कर रहे हैं, आपको इंप्रेशन आ रहे हैं, आपको क्लिक्स आ रहे हैं, आपको सेल्स नहीं आ रही है, ऐसा ही? जी जी हाँ जी ऐसे ही है मैम। अच्छा। क्लिक्स हैं मेरे पास, इंप्रेशन भी है, लेकिन मेरा एकॉस बहुत बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली जब आपके इंप्रेशन, आपके क्लिक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सेल नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली वो आपका कॉज ही हाई जाएगा। उसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे अपनी ऑफर प्राइस अपनी मार्केट में, क्या बाकी सेलर्स के कंपैरिजन में आपकी प्राइस क्या। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इमेजेस, आपके इमेजेस की क्वालिटी कैसी है, आपका मेन इमेज कैसी, मेन इमेज को चेंज करके देखें। समटाइम ऐसे होता है कि मेन इमेज को चेंज करने पर उस पर कन्वर्जन बेटर हो जाती है, अपना मेन इमेज चेंज करके देखें। तीसरी चीज़ आप ये देखें कि आपके बैकएंड पे सर्च टर्म्स फील्ड में आपने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, आपके इंटेंडेड व्यूज है वो आपने फिल किया हुआ है, बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन आपकी है या नहीं, ये भी गोल्डन कीवर्ड्स भी ऐड किए हैं। मेरा एसईओ बैकग्राउंड है, मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूं, पहले काम कर चुकी हूँ फेसबुक पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी, तो मेरा वो है एक्सपोजर है, लेकिन मुझे यहाँ पे सही, मतलब मुझे मेरा अमेज़ॉन का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मुझे यहाँ पे वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं परेशान हूँ कि ये क्यों नहीं हो रहा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है, उसके टाइटल पे भी, डिस्क्रिप्शन पे भी काम हुआ हुआ है, और उसके अलावा इमेजेस मैं मानती हूँ इमेज, क्योंकि उन्होंने अपना फोटो शूट नहीं करवाया हुआ, हमने ऐसे ही रैंडम इमेज, मतलब नहीं नहीं, अब फिर आप इमेजेस पे काम करें, ये डेफिनेटली इसे हेल्प करेगा। लेकिन पीपीसी को हम उस वक्त ब्लेम करते हैं जब इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब जब इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी विजिबिलिटी जो है वो रॉन्ग स्पॉट पे, बायर को नजर ही नहीं आ रही है, तो वी नीड टू इंक्रीज अवर प्लेसमेंट परसेंटेज और इंक्रीज अवर बिड। लेकिन अगर इंप्रेशन बहुत आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत आ रहे हैं, ट्रैफिक लैंड कर रही है लेकिन बाय नहीं कर रही है, और जब वो बाय नहीं कर रही है ना लैंड होने के बाद भी, तो इसमें दो इशू है।
या तो आपकी ऑफर, बट कोई आपसे बाय नहीं करे क्योंकि आप जैसी प्राइस में या आपसे थोड़ी सी ज्यादा अच्छी प्राइस में, उसको ज्यादा हाई प्राइस में बहुत ज्यादा अच्छी चीज मिल जाएगी। आप पैक ऑफ 10 ले रहे हैं, उसे पैक ऑफ 15 मिल रहे हैं, पैक ऑफ 12 मिल रहा है, एक चीज ये आ सकती है ऑफर पैक आपकी प्राइस, और दूसरी मेन चीज आपकी इमेजेस के, इमेजेस कन्वर्जन में बहुत हेल्प करते हैं, तो इमेजेस पे आप काम करें फिर डेफिनेटली हेल्प मिलती है। ठीक है मैम, इसके अलावा आप मुझे कोई टिप देंगी? मतलब अभी करंटली हमारी सेल्स बिल्कुल भी नहीं हो रही, मतलब किसी दिन हो जाती है थोड़ी सी सेल, किसी दिन माशाल्लाह आप पहले ही मतलब एक्सपर्ट है, आपने लिस्टिंग जिस तरह से बताई है कि आपने बैकएंड भी आपको फिल ऑप्टिमाइज्ड है, फ्रंट भी काम किया है, बिल्कुल एडवर्ड में ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करने को मिलती ना, तो मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया नहीं है। अभी आपने जो एसएन टारगेटिंग की बात की है और ये सारी चीज़ें जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपकी सारी डिस्कशन तकरीबन सुनी है जो क्वेश्चन आंसर आप कर रही थी, तो मैं आपसे पर्सनली भी इंटरेक्ट करना चाह रही थी कि मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाती ना, क्योंकि मैंने पीएल पे काम करना है अपनी भी और क्लाइंट की भी, तो अभी तो मुझे एफबीएम मॉडल पे ही नहीं रिस्पांस आ रहा, तो मैं इसको कैसे फिर करूँगी केटर आगे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ना कि इसमें प्रॉब्लम क्या। ऑटोमेटिक एड्स हैं और मैनुअल पे भी मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही थी, मैंने मैनुअल टारगेटिंग कीवर्ड्स की करके देखी है, मैंने हीलियम से निकाले हैं कीवर्ड्स, तो हम वो जो कीवर्ड्स निकालते हैं हीलियम से, मैं ये पूछना चाह रही हूँ क्या वो, मैंने ऑर्गेनिक अभी रिजल्ट्स निकाले थे, तो क्या हम वो पीपीसी वाले कीवर्ड्स अलग होते हैं पीपीसी के लिए जो, या जो हम ऑर्गेनिक निकालते हैं अपनी रैंकिंग के लिए नॉर्मल, वही कीवर्ड हम पीपीसी कैंपेन में यूज करते हैं, तो मैं एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ इसमें पीपीसी में ना, तो मैं आपसे डायरेक्टली मैं आपको बता देती हूँ, जब आप हीलियम का रिवर्स एज अप्लाई करते हैं ना कंपटीटर को, आपके पास कीवर्ड्स रिपोर्ट आ गई, कीवर्ड्स की फाइल आ गई है, उस कीवर्ड्स की फाइल में आपके पास ऑर्गेनिक रैंक, ऑर्गेनिक का भी कॉलम आ रहा होता है, स्पॉन्सर का भी कॉलम आ रहा होता है। हाँ जी आ रहा होता है, ठीक है, आप ऑर्गेनिक वाले को कंसिडर करेंगे कि ये ऑर्गेनिक है, जी जी आप ऑर्गेनिक वाले को कंसिडर करेंगे और उन्हीं को टारगेट करेंगे, फिर कुछ कीवर्ड ऐसे आएंगे जिन पे आपका कंपेटिटर स्पॉन्सर रैंक बड़ा अच्छा बैठा होगा, ऑर्गेनिकली इतना रैंक नहीं होगा, अब वो स्पॉन्सर रैंक तो हुआ भी लेकिन क्या कीवर्ड भी रेलेवेंट है, अगर कीवर्ड भी रेलेवेंट है और वो उस पे स्पॉन्सर रैंक उसका बड़ा अच्छा लेकिन ऑर्गेनिक रैंक नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास स्पेस है, या वो रेलेवेंट कीवर्ड है उस वो स्पॉन्सर वहाँ हो रहा है, तो आप भी उसको वहाँ पे एज ले सकती हैं कि इस कीवर्ड को आप भी टारगेट कर रहे हैं, तो एक्चुअली मेन कीवर्ड्स जो आपके होंगे वो वही होंगे जिन पे वो ऑर्गेनिकली रैंक बैठा है, उनमें उनमें आप उन पे आपने कम्पीट करना है, और उस पर डेफिनेटली बहुत सारे और सेलर्स भी कम्पीट कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे कीवर्ड्स जिन पर वो स्पॉन्सर्ड रैंक हुआ है लेकिन ऑर्गेनिकली रैंक अभी नहीं हुआ हुआ उनको, और वो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ कोशिश करें सिंपल रखें अपने पीपीसी को, अगर आप इस तरह से मल्टीपल मैच मल्टीपल स्नैगोज वाले कीवर्ड्स टारगेट करने जा रही है ना, कि कुछ ऐसे हैं जो टॉप रेलेवेंट कीवर्ड हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं, कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जिन पर रैंक होना इजी है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स हैं, इनको सिर्फ आप सेपरेट रखें, सिंप्लीफाई रखें, एक कैंपेन में एक एड ग्रुप रखें, एक एड ग्रुप में एक एसके ग्रुप रखें, इस तरह से आप करके चलें, बाकी ये कि जो आपके केस में अभी मुझे समझ में आ रही है इमेजेस का इशू है, जो आपने भी कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही इमेजेस का प्रॉपर काम नहीं हुआ, आप इमेजेस को फिक्स करें तो होपफुली इससे आपकी ओवरऑल कन्वर्जन बहुत बेटर हो जाएगी। और मैम इसमें लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल का कोई इशू आता है? मतलब मेरे लॉन्ग टेल आप कह सकती हैं कि कीवर्ड हम यूज़ करें, क्योंकि लिस्टिंग न्यू थी तो इसलिए मुझे ये लगा कि लॉन्ग टेल में ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, हम इजीली उस पर रैंक कर जाएंगे, लेकिन मुझे अभी कीवर्ड रैंकिंग तो दूर की बात है, अभी तो सेल्स ही नहीं आ रही है। अच्छा देखिए जब लिस्टिंग आपकी नहीं है तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कंटेंट में टारगेट ना करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप टारगेट कर रहे हैं अपनी पीपीसी में, लेकिन जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड है, हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड है, उनको टाइटल उनको उसको कंटेंट में टारगेट करें। अच्छा और मैम इसकी परसेंटेज क्या होगी, कीवर्ड डेंस की क्या हम रखेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में? इसमें यह है कि अगर आप 5 बुलेट पॉइंट है, एक बुलेट पॉइंट में आप एक कीवर्ड डाल सकती हैं, कोई बुलेट पॉइंट ऐसा भी होता है कि जिसमें जो जो पॉइंट आप उसमें डिस्कस कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग भी कोई कीवर्ड फिट नहीं बैठ रहा, तो आपको हर जगह पे कीवर्ड रिपीट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने 7-8 कीवर्ड पूरे कंटेंट में डाल दिया तो मोर देन काफी है। 7-8 हमारे टाइटल डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स सब में 7-8 फ्रंट में होने चाहिए, 7-8 भी शायद बहुत ज्यादा हो जाए क्योंकि इतने सिर्फ कीवर्ड हम डाल नहीं सकते हैं ना, अब टॉप 2 कीवर्ड आपने टारगेट कर लिया लेट्स से टाइटल में, उसके बाद 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, 5 बुलेट पॉइंट में से 4 बुलेट पॉइंट्स में आपने एक एक कीवर्ड भी डाल दिया,
ये भी हो सकता है कि आप कीवर्ड इस तरह के हैं जो जी जी मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी एक साहब मुझे नाम नहीं पता अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स का, किसी ने आपसे डिस्क्रिप्शन के बारे में भी पूछा, तो वो जो रिच डिस्क्रिप्शन जैसे हम SEO ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन करते हैं अपने उसमें एडवर्ड में भी हम यूज़ करते हैं और उसमें भी करते हैं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मैं वो भी पूछना चाह रही हूँ कि उसमें हम अब जो हमने बैक में डाली है डिस्क्रिप्शन जो है वो एडवांस जो उसमें इन्फो में डाली है, तो वहाँ पे हम वो उसमें क्या डेंसिटी रखेंगे, उसमें कितने हैं, मतलब उसके कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, कितनी लॉन्ग होनी चाहिए, मुझे ये कहाँ से आइडिया मिलेगा, मतलब जैसे मुझे गूगल का तो आइडिया है कि हमें मुझे उसके कैरेक्टर्स ज़बानी याद है, लेकिन मुझे इसका याद नहीं है कि इसकी लिमिटेशन मैं कहाँ से चेक करूँ ये चीज़ें। अच्छा, एक तो ये ग्रुप में आएंगे ना तो आपके साथ पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल शेयर होगा जिसमें आपको बताएंगे कि आपको टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन कितने करेक्टर लिमिट में रहना है, ठीक है। अच्छा, ये तो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है, सम कैटेगरीज में अमेजोन आपको बुलेट पॉइंट 500 करेक्टर लिमिट तक भी जाने देता है, कुछ में वो 250 से ऊपर नहीं जाने देता, लेकिन रिकमेंडेड ये भी होता है कि अगर वो आपको 500 भी अलाउ कर रहा है तो आप 250 करेक्टर लिमिट से ऊपर नहीं जाएं बुलेट पॉइंट फॉर ईच बुलेट पॉइंट। टाइटल आप कोशिश कर रहे हैं 100 में आपको वाइंड अप हो जाए, 150 से ऊपर आप नहीं जाएं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम आप 2000 करेक्टर लिमिट तक जा सकती हैं, लेकिन अगर आपने 1000 पे कर लिया तो इट्स गुड। ठीक है मैम, फर्दर मैं आपके साथ लिंक अप होना चाहती हूँ, मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूँ, मुझे नहीं पता आपका, आप मुझे प्राइवेटली अपना नंबर सेंड कर सकती हैं? आप ऐसा करें, ये इस आ रहा होगा मेरा नंबर तो आ रहा होगा, इसी अनाउंसमेंट में भी आ रहा होगा, आप मुझे ऐसा करें मैसेंजर पे आप मैसेज कर दें, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच। जी आई गेस अभी सिर्फ यासिर इकबाल है, उनकी कोई क्वेरी अगर हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, जिस तरह हम यूएई के अंदर लॉन्चेस कर रहे हैं और जो माइक्रो लॉन्चेस हैं, इसके अंदर हमें पीपीसी, क्योंकि वीवी, क्योंकि रिव्यूज वगैरह इतने नहीं हैं, मतलब 27, 44, 40 इतने होते हैं हर प्रोडक्ट पर, तो मैम वीवीआरओस तो हम मतलब कि बहुत कम, मतलब इसमें ना, और ज्यादातर पीपीसी ही ऑन कर रहे हैं, तो इसमें हम पीपीसी हम नॉर्मल बजट पर ही रन करें या अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट से करें, रिव्यूज के मुताबिक हम उसे रन करें अग्रेसिवली और या उसे मिनिमम ही चलें? नहीं नहीं, जब आप उसके स्टार्ट करें तो आप नॉर्मल बजट ही करें, आप $15 से लेकर स्टार्ट करें, अगर आपकी प्राइस बहुत लो प्राइस प्रोडक्ट है आप $10 से लेकर स्टार्ट करें, लेकिन आप एग्रेसिव नहीं जाएं, एग्रेसिव आप बिल्कुल जा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपके गेटिंग थ्रू रिव्यूज, और जब आपको पता हो कि अब आप इतनी कंपैटिबल हो चुकी है या अब आपकी इतनी आपकी आप बिल्ड अप कर चुके हैं अपनी लिस्टिंग को कि आप अगर हाइब्रिड करेंगे आपकी विजिबिलिटी अच्छी स्पॉट पर होगी तो बायर भी बहुत अच्छी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस वक्त डेफिनेटली आप एग्रेसिव मोड पे जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली आई विल रिकमेंड कि आप नॉर्मल ही चलें, बहुत ज़्यादा हाई बजट हाइब्रिड अप्लाई ना, अगर बिड अप्लाई करने के बाद जो भी बिड आप रखते हैं उस पर आपको कन्वर्जन अच्छी आने लग जाती है तब आप डेफिनेटली उस पर एग्रेसिव जा सकते हैं, उस पर हाइब्रिड कर सकते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करें तो सेफली पे करें। मैम, जैसे कि ये माइक्रो मार्केट्स हैं, इसमें क्या हम ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं कि अपने कीवर्ड्स में हम ब्रांड को भी टारगेट कर लें? अपने ब्रांड को टारगेट करने की बात कर रहे हैं? यस मैम, अपने ब्रांड को टारगेट करने की, अगर हम उसको भी रैंक करवा दें साथ में। जी आप कर सकते हैं, बिल्कुल अपने ब्रांड को भी कर सकते हैं, मतलब हम ये माइक्रो लॉन्चेस के अंदर अपने हम ब्रांड को टारगेट कर सकते हैं? हां बिल्कुल, अपने ब्रांड को आप कर सकते हैं, इसमें कोई अहम नहीं।
ठीक है, थैंक यू। ठीक है, और अगर किसी की क्वेरी हो, वैसे मैं मेरे पास क्वेरी आ नहीं रही, मैंने अनम्यूट कर दिया सबको, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछे। और हम ऐसे गरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कौन का पैदा हुआ, कौन के खून पसीने जी, पाकिस्तान की दौलत को लूट कर। अस्सलाम वालेकुम, मैम मैंने आपको मैसेज किया है मैसेंजर पे, काइंडली उसको चेक कर लीजिएगा, मुझे आपसे बहुत गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम, मैं कर लेती हूं। थैंक यू सो मच। ठीक है, यहाँ से कोई और देखिए तो चैट में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। जी, ब्रांड एनालिटिक्स किस तरह से हेल्प करता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने में? ब्रांड एनालिटिक्स पे आप जाएं, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सर्च टर्म्स का, सर्च टर्म्स पे क्लिक करें तो वो आपको बताएगा कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आप कन्वर्जन दे रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो यूजर्स हैं जो आपको कन्वर्जन नहीं दे रहे, जो कन्वर्जन नहीं दे रहे होंगे वहां पर उसने रेड कलर उसको किया होगा, तो आप उनको वहां पर रिमूव कर दें, अपने लिस्टिंग पे जाएं बैकएंड से, वहां से उन कीवर्ड्स को रिमूव करके वहां पर हाई सर्च वॉल्यूम वाले या टॉप रेलेवेंट कीवर्ड्स को आप डाल दें। इस तरह से आप ब्रांड एनालिटिक्स को यूज कर सकते हैं, प्लस आप ब्रांड एनालिटिक्स से ये देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो के जिन पर आपका कंपेटिटर रैंक हुआ है और वो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड हैं, उनको भी आप अपने सर्च टर्म में यूज कर सकते हैं। आप बेटर कर लीजिए, इसी जो सॉफ्टवेयर यूज करा है वो है AI सॉफ्टवेयर, नंबर सॉफ्टवेयर है वो जब आप PPC हम आपके लॉन्च होगी, आपके पास मोर देन 20 रिव्यूज होंगे तो हम उस सॉफ्टवेयर को आपके SPP के साथ कनेक्ट कर देंगे। बिल्कुल, EBC कंटेंट अलाउ है शहजाद, आप EBC कंटेंट अलाउ न्यू लिस्टिंग पे आप ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री होना जरूरी है, अगर ब्रांड रजिस्ट्री है तब आप EBC अपडेट कर सकते हैं, और इट्स गुड, जैसे ही आपको ब्रांड रजिस्ट्री मिले आप विदाउट एनी डिले EBC अपलोड कर दें, ये बहुत हेल्प। जी, साले हारून है, आप कह रहे हैं कि ट्रिपल वन में आप हैं लेकिन अभी PPC ऑप्टिमाइजेशन पर कोई सॉफ्टवेयर नहीं कनेक्ट हुआ, अभी एक्चुअली ये हमने सब अकाउंट्स के साथ कनेक्ट नहीं किया है, कुछ अकाउंट्स हैं जिनके साथ भी हम कनेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे मैसेज कर दें सेपरेटली व्हाट्सएप पे कि आपका कौन सा ग्रुप है, मैं देखूंगी उसके अकॉर्डिंगली, अगर नीड हुई आपके साथ सॉफ्टवेयर कनेक्ट करने की तो मैं डेफिनेटली मैं कनेक्ट कर दूंगी। जी मोहम्मद आमिर, PPC का बजट ऐसे नहीं है कि आप 18,000 लगा दें या आप 10,000 लगा दें टोकन की, इस तरह से नहीं है, आप वैसे सेशन अगर रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा तो उसको दोबारा देख लेंगे, तो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया कि बजट किस तरह से हम एलोकेट करते हैं और फिर हमें इसे इंक्रीज भी करना होता है, तो रफली एक एस्टिमेट ये है कि आप $100 पर डे का रखें, $3,000 to $3,500 पर मंथ आपका PPC बजट जा सकता है, और अगर हम इंडस्ट्री मोड पे जाएं तो ये इससे भी ज्यादा एक्सीड कर सकता है। जी अब्दुल्ला तंजीर, आप कह रहे हैं कि क्लाइंट की है कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट पर उसे PPC के थ्रू सेल चाहता है, तो बिल्कुल आप इसमें ऑटो के अपीन ऑन कर दें लो बजट के साथ, ठीक है, और जो आपके रेलेवेंट कीवर्ड है ना, टॉप रेलेवेंट कीवर्ड है, उनको आप इन फ्रेज मैच टाइप इन फ्रेज मैच टाइप उन्हें टारगेट करें, उसके बाद फिर उन पर जैसे जैसे कन्वर्जन आपकी आती जाएगी सर्च टर्म रिपोर्ट से आप देखें जिन कीवर्ड्स पर अच्छी सेल्स आ रही होंगी उनको आप फिर एग्जैक्ट मैच टाइप के साथ न्यू कैंपेन में टारगेट करते हैं, तो बिल्कुल इस तरह से फिर आप PPC के थ्रू काम कर सकते हैं।
अच्छा जी, ये है हैदर है, वो कह रहे हैं कि कीवर्ड्स को अगर हमने जो बैकएंड पे डाले हैं हम डिफरेंट डाल दें और टाइटल वाले ना डालें। बिल्कुल कुछ टाइम तक ऐसे ही था। आपको पता है कि जैसे अमेजोन बहुत सारी चेंजेस कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंजेस कर रहा है, तो हम पहले यही रेकमेंड करती थी मैं भी कि जो कीवर्ड्स आपने फ्रंट एंड पे यूज कर लिए कोशिश करें उसको बैक एंड पे रिपीट नहीं करें। लेकिन अभी हमने देखा है, अभी ब्रांड एनालिटिक्स को जब एक्सप्लोर किया है तो जो नई चेंजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो कीवर्ड आपने अपने टाइटल में डाली है या जो कीवर्ड आपने फ्रंट एंड पे डाली है आप उसको बैक एंड सर्च टर्म में भी डाल सकते हैं और डालने चाहिए। जो आपके सुपर रेलेवेंट मेन कीवर्ड हैं, हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड हैं, उनको आपको टारगेट करना चाहिए, बैक एंड सर्च टर्म में भी आपको निकालना चाहिए। जी साले, ट्रिपल वन लॉन्च में पीपीसी को मॉनिटर करने के लिए आपने क्या देखना है? आपने ट्रिपल वन में शेयर करना लास्ट 30 डेज का कॉस्ट और लास्ट 7 डेज का कॉस्ट, ये आपने डेली जब आप अपडेट देंगे तो आपने ये शेयर किया करना है। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हाउ पीपीसी इज वर्किंग और फिर हम आपको इस पर गाइड कर सकते हैं कि अगर किसी किस्म की चेंजेस रिक्वायर्ड हो। हाउ टू लो अ कॉस्ट, जो है वो पूछ रहे हैं कि हाउ टू लो अ कॉस्ट इफ पीपीसी जनरेटिंग गुड सेल्स। पीपीसी की अगर अच्छी सेल्स आ रही है तो इवेंचुअली कॉस्ट नीचे कर दें। कॉस्ट तो तब हाई जा रहा होता है जब सेल्स नहीं आ रही है, जब सेल्स अच्छी आ रही है और कॉस्ट आपको कम करना है तो वो तो डेफिनेटली जैसे जैसे सेल्स आती रहेंगे कॉस्ट आपका नीचे ज्यादा रहेगा। लेकिन स्टिल अगर आप अच्छी सेल ले रही हैं और आप चाह रहे हैं कि अभी तो मेरी अच्छी सेल्स 30% आ रही है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी यही सेल्स 20% कॉस्ट में आए, तो आप वहाँ पर अपनी बिट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये इवेंचुअली आपके भी सेल्स वेलोसिटी को भी डेफिनेटली इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अगर आपके ब्रेक इवन कॉस्ट पर भी स्टिल अगर ब्रेक इवन कॉस्ट भी है आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी इफ़ यू आर गेटिंग अ गुड नंबर ऑफ सेल्स तो आप उस पर थोड़ी देर के लिए स्टे करें, क्योंकि स्टिल अगर आपको मतलब ब्रेक इवन पे बड़ी अच्छी सेल्स आ रही है जो PPC के थ्रू भी आ रही है और ऑर्गेनिकली भी आपके वो उसको भी हेल्प कर रहा है, उसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो फिर देयर इज नो हार्म, बल्कि ये बेनिफिशियल है बहुत कि आप इसको इन ये ऑर्डर्स आप जितने मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं करें अपने उस कॉज में रहते हुए, तो ब्रेक में कॉज में रहते हुए। इम्पॉर्टेंट चीज लेके पीपीसी में ये है कि सारे आप मॉनिटर कर रहे हैं लेकिन क्या चीज़ें देखनी है, एक रिपोर्ट आप शेयर करिए, दूसरा जो आपने अपने एंड पे देखना है। अगर आपको लग रहा है कि सेल्स तो बहुत अच्छी आ रही है और कॉस्ट जो है मेरा वो स्टिल बड़ा हाई है तो चेक करने की क्या रीज़न है, या आप ये देख सकते हैं कि मेरी सेल्स बहुत कम आ रही है, कॉस्ट तो मेरा 12% है लेकिन मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर भी बहुत कम है, सेल्स भी बहुत कम है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव जाना है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके अकाउंट्स भी ख़राब है, आपकी सेल्स भी अच्छी नहीं आ रही है, आप आउट बजट भी जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस है जहाँ पे आपको लगे कि आपको डाउट है, किसी भी किस्म का पीपीसी में डाउट है कि यहाँ पे यहाँ पर मुझे कॉस्ट बहुत पड़ रही है, सेल्स नहीं आ रही है, मुझे यहाँ पर सेल्स आ रही है बड़ी बड़ी अच्छी, कॉस्ट भी कम लग रही है, तो क्या यहाँ पे हमें अग्रेसिवली चले जाना चाहिए, यहाँ पे हमें रेट इंक्रीज नहीं कर लेनी चाहिए, या भी मेरा करंट बजट $100 का और मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स अच्छी आ रही है तो क्या मैं बजट इंक्रीज करूँ, नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज करेंगे, इस तरह के डिफरेंट सिनेरियो जहाँ पे आपको डाउट हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ट्रिपल वन ग्रुप में है, मैं भी वहाँ पे हूँ, आप मुझे अप्रोच करें और मैं उसी वक्त आपका उसका एनालिसिस करके डिटेल आपको गाइड कर दूंगी, जो भी आपके डाउट होंगे उसमें आपको क्लियर कर दूंगी। आपके ऐसे मॉनिटर करने के लिए यही चीज़ है कि इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, आपको लग रहा है रॉन्ग नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे ये चीज ऐसे हो रही है, क्या ये ठीक हो रही है नहीं हो रही है, आप मुझे मानते हैं। आमिर नहीं, कंटिन्यूसली तो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कुछ खुद से नहीं करें, आप बिल्कुल करें, आप करेंगे तो आप सीखेंगे लेकिन बार बार नहीं करें। आप अभी मैंने बिल्डिंग स्ट्रेटेजी डाउनलोड भी की है और जब मैं सुबह उठी हूँ तो मैं कह रही हूँ तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया, मैंने अप एंड डाउन कर दिया, दोपहर में मैं देख रही हूँ कि अरे तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई है, वापस आगे डाउन हो गई है। नहीं, आप जो भी एक्सपेरिमेंट करें जो भी चेंज करें उसको एटलीस्ट 4-5 days दें, उसके बाद आप फिर डिसाइड करें कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट वर्क कर रहा है,
एक दिन के अंदर या 48 आवर्स के अंदर अंदर अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज नहीं करें। ठीक है, चलिए चलिए, अब कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ पर मैं देखती हूँ। ठीक है, फिर हम इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।